السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings, peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me, my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vishveshwara Adi Purush Aparampara Alleka Purushya Namaha अनस्वंता सत्पतिर मामहे मेघावा चैतिष्ठो असुरो मगोना त्रिविष्णु अग्निदशाभी सहस्तरेर वैश्वानरः अष्टो गुणः नराशंसम वाजिनम वाजन्नी शैदीरम पूषणम सन्मैरीम हे रथम न दुर्गा दवसवा सुदानवो विश्व सम्मानो अहंसो निष्पिपर्ता संबल गराम गुख्य सबराहमणय सगहातमन भवनि विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति तुवं तूर्य तरुष्यतः अव ब्रह्मा दुविशो जहि ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे
तेजस्वनावदीदवस्तुमा विद्दिशावहे ब्रह्मानंतमनादि विश्वकूर्दजं सत्यं परं शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगंभीरदयि। ओम शांति शांति शांति। जनाब सदर महफिल, स्टेज पर मुअज्जज़ उलमाए किराम और इस मुअज्जज़ मुबारक महफिल के बैनर तले जमा होने वाले दीनी ईमानी और हमारे समाजी भाइयों, नौजवान साथियों, अपने घरों में पर्दों में बैठी भी हमारे समाज के इज्जतदार माँ और बहनों, इस्लाहे मुआशरा के उनवान पर यह जलसा है, ये महफिल हम लोग जमा हुए। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व ताला मुझे वो कहने की तौफीक दे जिस पर मैं खुद मुकम्मल तौर पर अमल कर सकूं और हमारे इस महफिल को और हमारी इस मजलिस को कल क़यामत में अल्लाह तबारक व ताला हम सब के लिए निजात का ज़रिया भी बनाए। साथियों और दोस्तों, आप लोगों को बड़ा ताज्जुब होगा, अभी खुतबे में मैंने कुरान और हदीस के बाद आखिर में संस्कृत जुबान में कुछ श्लोक और मंत्र आपके सामने मैंने पेश किया है। अगरचे वो जुबान लैंग्वेज अल्फाज संस्कृत के थे लेकिन उन लाइन उन श्लोक और मंत्र में आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात और आपके पैगाम का तज़किरा मौजूद है। जैसे खुतबे में अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ अरबी ज़ुबान में पेश की गई, मैंने संस्कृत लैंग्वेज में भी जो एक आम सुनते हैं हम लोग कहीं किसी मंदिर के सामने या कहीं पर कोई हमारे बरादरान वतन इस देश में सनातन धर्मी लोग किसी भजन में किसी पूजा में या कहीं कहीं कैलेंडर में बल्कि अक्सर जगहों पर लिखा हुआ होता है लफ्ज ओम ओम नमः भगवते वासुदेवा या विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। जैसे हम लोग किसी मुबारक काम को करने से पहले बरकत हासिल करने के लिए आफियत के साथ उस काम को इख्तिताम तक पहुंचाने के लिए अल्लाह का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरुआत करते हैं बरकत हासिल करने के लिए। तो इस देश में, एशिया महाद्वीप में, इस बर्र सगीर में एक तबका, वो भी इसी इरादे से ओम लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं और वो ओम शॉर्टकट है। मेरी बहुत पुरानी वीडियोस जो तकरीरें की गई हैं उनके अंदर इसका एक्सप्लेन मौजूद है कि ओम तीन बड़ी शक्ति को शॉर्ट करके लफ्ज ओम बनाया गया, विष्णु ब्रह्म शिव। बरकत हासिल करने के लिए वो लोग इस लफ्ज का इस्तेमाल करते।
ये गलत फहमी दूर करने के लिए मैं ये तमहीद पेश कर रहा हूँ, वरना बहुत से लोग समझते हैं कि क्या जरूरत है मंत्र और ओम पढ़ने की, क्या जरूरत, क्योंकि मेरे नाम के साथ एक लफ्ज जुड़ा हुआ है चतुर्वेदी, वेदों का ज्ञानी। वेदों का ज्ञानी तो नहीं बल्कि तकरीबन हजारों साल पहले, 8 या 9 हजार साल पहले इस देश के अंदर संस्कृत जुबान में जो किताबें जमा की गई उनके अंदर रब की वहदानियत और उस रब के भेजे हुए अंबिया नबी और रसूल का चर्चा संस्कृत जुबान में मौजूद है। ये जानने के लिए मैंने वेद के साथ साथ दुनिया की और ऑथेंटिक रिलीजियस बुक्स, धार्मिक किताबों का एनालिसिस किया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कोई भी मजहब हो दुनिया में उनकी किताब में हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है। कोई भी किताब, लेकिन इसके बराक्स मिसाल के तौर पर भारत में सनातन धर्मी हमारे हिंदू भाई बसते हैं, उनका एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ले लीजिए, श्री कृष्ण जी ले लीजिए, गणेश जी ले लीजिए, विघ्नहर्ता गणेश जी, बजरंगबली हनुमान जी ले लीजिए, किसी का भी, उनका तज़किरा उनकी एक या दो ग्रंथ तक महदूद है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा कुरान में, हदीस में, वेदात में, बाइबल में, पुराण में, उपनिषद में, मनुस्मृति में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, यहां तक कि रामायण में भी इशारा किया गया, आवास्था में, दसातीर में, दुनिया का कौन सा ऐसा बड़ा मजहब नहीं है जिसमें अल्लाह के नबी अलैहि सलाम का जिक्र मौजूद ना हो। हमें इस बात पर गर्व है कि हमारे नबी की, उनका, उनकी पाक सिफात दुनिया की किताबों में मौजूद है। अभी पिछले महीने उत्तर प्रदेश के एक जलसे में बात हो रही थी, रबीउल अव्वल के महीने में जलसा बहुत होता है, हमारे बाज मुसलमान इतने जोशीले होते हैं, बाज नौजवान बाज इलाकों में, कि ये रबीउल अव्वल का महीना आता है वो ये समझते हैं कि सिर्फ जलसा कॉन्फ्रेंस महफिल मुनाकिद कर लेने और हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात को बयान कर देने से मोहम्मद से मोहब्बत का हक अदा हो जाता है, तो बहुत करते हैं, अमली एतबार से वो जीरो होते हैं, बल्कि दिल्ली की सरजमीन पर अभी 13 तारीख की बात है, वहां पूछा, उन्होंने कहा कि मौलाना आपने अपनी तकरीर में एक बात कही कि अल्लाह के नबी को अल्लाह तबारक व ताला ने पूरी कायनात के लिए, पूरी मानव जाति के लिए मानवता देकर भेजा और नबी की एक एक, हाँ एक बात समझ में नहीं आई
कि इस कायनात के लिए, दोनों जहान के लिए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत कैसे हैं, मुझे समझाएं आप। तो ये मैं थोड़ा समझा कर फिर आगे बात शुरू करूंगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने रबीउल अव्वल के महीने में नौजवानों हमें पता होना चाहिए रबीउल अव्वल का महीना तारीख में इख्तिलाफ है, आगे पीछे है। मगर महीना रबीउल अव्वल का है। अब से तकरीबन 1493 साल पहले सोमवार के दिन पीर के दिन सुबह सवेरे अल्लाह तबारक व ताला ने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहां से तकरीबन 7,500 या 8,000 किलोमीटर दूर के फासले पर अरब की धरती मुल्क अरब के शहर मक्का में 9 फीट लंबा 8 फीट चौड़ा एक मकान में हिंदुस्तानी टाइम के हिसाब से 6:50 पर और अरब टाइम के हिसाब से 4:20 पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म होता है 22 अप्रैल 571 ईस्वी को। आप अब्दुल्लाह के घर में, दादा अब्दुल मुत्तलिब के घर में, कुरैश कबीले में सबसे बड़ा कबीला और सबसे ऊंचा और बड़ा खानदान बनी हाशिम में आप अली सलातु वस्सलाम इस दुनिया में आते हैं, आपका जन्म होता है। कुरान और हदीस, सीरत और तवारीख की बहुत सारी किताबों में आपके जन्म का तज़किरा है, लेकिन दुनिया के अंदर ओनली तन्हा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम है जिनका चर्चा, जिनके पैदाइश का तज़किरा संस्कृत लैंग्वेज में भी मौजूद है। यकीनन हम मानते हैं कि अल्लाह के नबी पैदा हुए आमिना के कोख से। आप अलैहिस्सलाम के अब्बा मोहतरम का नाम, नौजवानों यू शुड टू नो, आपको पता होना चाहिए, अब्दुल्लाह। आपके अम्मी का नाम आमिना, आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैदाइश से पहले आपके अब्बा का इंतकाल हो चुका था, सफर में गए तिजारत के गर्ज से वहीं पर आपका इंतकाल हुआ। संस्कृत में ये पूरा वाकया मौजूद है, संस्कृत में नहीं बल्कि भविष्य पुराण में, हिंदू भाइयों की दूसरे नंबर की ऑथेंटिक किताब। हमारे भारत के अंदर कुछ फिरका परस्त तंजीमें, कुछ फिरका परस्त लोग जो नबी पाक अली सलाम के कमालात पर, आप अली सलाम के औसाफ पर जो कीचड़ उछालते हैं, उनकी किताबों के अंदर नबी की पैदाइश का चर्चा और तज़किरा मौजूद। शंभल कराम गुखयस बड़ा हमणयस कहा तमन भवने विष्णु यशा कल की प्रादुर्भविष्यति सुमत्यानि था वैष्णवम। नहीं मानोगे कुरान और हदीस, हमारे नबी को गलत कहने से पहले
अपनी किताबें उठाकर देख ली जाए, वहां पर आपको हमारे नबी की आमद की तफसील आपको मिल सकता है। शंभल ग्राम, ग्राम मीन्स हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो अब्बा लिखते थे ग्राम पथराबाड़ी जो की हाट, ग्राम मीन्स जगह घर, ग्राम संस्कृत में भी यूज होता है और उर्दू और हिंदी में भी इस्तेमाल करते। शंभल अमन, और मक्का का नाम दारुल अमन है कि नहीं। वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन, इस अमन वाले शहर की कसम खाकर अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी बात आगे रखी। शंभल ग्राम गुख्यस बराहमणयस, ऊंचे खानदान कबीले कुरैश में बराहमणयस भवने विष्णु यश, विष्णु यश के जरिए, विष्णु मीन्स पालनहार, पालनहार को विष्णु को अरबी में ट्रांसलेट करो, विष्णु को तो अल्लाह आता है और यश को अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो बंदगी करने वाला यानी अब्दुन, दोनों को मिलाएंगे तो अब्दुल्ला बनता है। अब्दुल्लाह के जरिए सोमवती अमन वाली की कोख से, और अमन वाली कौन, आमीना, सुमती की कोख से अब्दुल्ला के जरिए से बड़े खानदान में अमन की शहर यानी मक्का में वो इस धरती पर पैदा हुए, अवतरित हुए, आए। किस लिए आए, क्या मकसद था उनका, क्या काम था, अब बताते हैं। अष्टो अनस्वंता सत्पतिर मामहे में गावा चैतिष्ठो असुरो मगोना त्रिविष्णो अग्ने दशाभि सहस्त्रेर वैश्वा सहस्त्रार वैश्वा नरहा। अनस्वंता हक बातों को प्रोसीड करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए, और हक बात कौन सी थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या अय्युहन नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। और आप अलैहि सलातु वस्सलाम ने ऐसा किया, आप पैदा हुए, खुशखबरी मिली, आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत खुश हुए। सातवें दिन कहा जाता है कि आकी ये उनका खतना हुआ। सीरत इब्न हिशाम एक रिवायत ये नकल करते हैं कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला मख्तून पैदा हुए थे, यानी आप अलैहिस्सलाम का खतना नहीं हुआ था। बहुत सिंपल वर्ड है, हम और आप समझ सकते हैं, खतना जिसको उत्तर प्रदेश बिहार और झारखंड बंगाल में बोलते हैं मुसलमानी कराना, और हमारे सनातन धर्मी में कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको गलत लफ्ज से बोलते हैं, क्या कटवा बोल देते हैं, कटवा। अभी पार्लियामेंट में एक कोई एमपी साहब थे, उन्होंने एक मुस्लिम एमपी को कहा अबे फला इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल किया, उन्हें शर्म आनी चाहिए। उनकी किताब में यह बात लिखी हुई है कि अंतिम जमाने में जो अंतिम महर्षि आएंगे वो मख्तून होंगे। लिंक चिधी शिखाहिना सिमश्चरु धारी सदूशका, हमारे नबी के खतना का तज़किरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब आपकी किताब में, पहले पढ़ लेते तब जाकर उल्टे सीधे बकते। अनपढ़ गवार लोग कुर्सी पर बैठ जाते हैं, न उन्हें धर्म का पता होता है, न उन्हें ईश्वरीय ग्रंथ की नॉलेज होती है, न उन्हें भारत के संविधान के दफात उन्हें मालूम होते हैं। बस यह है, अपने डुप्लीकेट खुदाओं को खुश करो, भले ही ईश्वर परमात्मा नाराज हो जाए। महात्मा ऋषि मुनि की हिस्ट्री क्या है, तारीख क्या, उनको उनसे कोई लेना देना नहीं। सीरत इब्न हिशाम ने लिखा है कि आप अलैहिस्सलाम खतना किए हुए, इस दुनिया में खतना नहीं हुआ,
लेकिन इब्न कय्यिम ने यह बात लिखी है कि नहीं, मोहम्मद का खतना किया गया। आप अली सलात वस्सलाम के इस खतना का तज़किरा संस्कृत जुबान में मौजूद है, लिंक छिधी शिखाहिना शिमशरुधारी सदुशका। तफसील की बात है, आप अली सलाम आए, 6 साल की उम्र में आपके अम्मी का इंतकाल हुआ, 8 साल की उम्र में आपके दादा का इंतकाल हो गया अब्दुल मुत्तलिब का, और फिर आप अली सलातु वस्सलाम निगरानी में आ गए अपने चचा के। मेरे नौजवान साथियों, मेरे मुस्लिम भाइयों, अल्लाह के नबी रहमत कैसे थे? हम जो दावा पेश करते हैं दुनिया के सामने कि हमारा मजहब, हमारा इस्लाम सबसे बेटर है, कैसे? Do you have any kind of proof? क्या तुम्हारे पास कोई एग्जाम्पल है, प्रूफ है कि मोहम्मद का दीन और मोहम्मद सबसे बेटर पूरी दुनिया में? हमने उनसे कहा कि भाई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, अल्लाह के नबी रहमतुल्लिल आलमीन थे। उन्होंने कहा कि हाओ कैसे, वैसे तो हम भी कह सकते हैं, हम जीसस को मानते हैं, हम ज्यूस को मानते हैं, हम गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को मानते हैं, महावीर जैन स्वामी को मानते, हम गुरु नानक को, गुरु गोविंद सिंह को मानते। हम कहेंगे कि हमारे गुरु गोविंद सिंह सबसे बेहतर, सिख लोग कहता है, जैन लोग वो कहेंगे हमारे महावीर जैन स्वामी सबसे बढ़िया, बुद्धिस्ट लोग कहेगा हमारा गौतम बुद्ध सिद्धार्थ सबसे बढ़िया। दलील पेश कीजिए कि आपके नबी सबके लिए थे, रहमत बनाकर भेजे गए, तो ये तो कुरान में लिखा हुआ है, दिस आया हैज बीन रिटन बाय अल्लाह, बट अल्लाह सुबहानहू व तआला, दिस आया हैज बीन सेंट डाउन टू द अर्थ। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत को कुरान में हजरत जिब्राइल के जरिए भेजा और कुरान में लिखा गया। प्रैक्टिकली बताओ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रहमत थे? हमने कहा कि मेरे पास एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल। हमने कहा कि बताओ कि आपको, इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, इन द इकोनॉमिक लाइन, आप तिजारत में बड़ा महान इंसान बनना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा कि हम MBA करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो कोर्स करते हैं, हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़कर तब जाकर हम सक्सेस बनते हैं, सक्सेस होते हैं। हमने कहा कि कोई रोल मॉडल है तुम्हारा? बोला हमारा रोल मॉडल आज के जमाने में ये बड़े बड़े ताजिर, ये चोर डाकू जो बैठे हुए हैं, जो शेयर मार्केट पर कब्जा है जिनका, जो सूद को फैशन नाम दे दिया इंटरेस्ट, ये लोग हम इनको देखते हैं। कोई ठेला बेचता था तो वो आज कई सौ करोड़ रुपए का ग्रुप बनाकर बैठा हुआ है, कोई कपड़े घोड़े के ऊपर, गधे के ऊपर शहर गांव में देहात में जाकर बेचता था, तो आज जनाब वो कई सौ कंपनी के CEO बना बैठा है, उनको देखते हैं। हमने कहा कि नहीं, कौन है रोल मॉडल, ये तो झूठे हैं, झूठ बोलकर। किसी का नंबर 600 नंबर पे होता है और किसी के इशारों पर जनाब पहुंच जाते हैं, 1 नंबर पर पहुंच जाते, 2 नंबर पर पहुंच जाते तिजारत की दुनिया में। हमने कहा कि ऐसी मिसाल पेश करो कि जिसने ईमानदारी के साथ तिजारत की हो, खरीदो फरोख्त किया हो, और दुनिया ने उनके इस ईमानदारी को देखकर आगे कदम बढ़ाया हो और उसको रोल मॉडल माना हो। ये झूठे हैं, दुनिया में जितने भी हैं, दुनिया के अंदर तिजारत का बादशाह माना जाता है यहूदी को। आज इन यहूदियों के हाथ रंगे हुए मासूम और निहत्य और लाचार बच्चों के खून से पूरी दुनिया देख रही, ये सबको नचाते हैं। हम नहीं मान सकते इनको रोल मॉडल,
ये शराब को ड्रिंक का नाम दे देते हैं और बेहयाई को फैशन का नाम, बेपर्दगी को फैशन का नाम दे देते हैं। और जनाब आज के जमाने में खुद गर्जी मफाद परस्ती को सियासत का नाम दे देते, ये हमारा रोल मॉडल नहीं हो सकता। ऐसा शख्स पेश करो जिसको हम अपना रहबर और रहनुमा मान सकें, जिसकी जिंदगी के अंदर कोई कमी ना हो, जिसकी जिंदगी के अंदर उन्होंने कभी किसी को झूठ ना बोला हो और किसी के नाजायज तरीके पर, किसी की माल पर, किसी की दौलत के ऊपर डाके ना डाले हो। अपनी मेहनत से, मशक्कत से, ईमानदारी से, सदाकत से दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन किया। लाओ कोई ऐसा माँ ने किसी ऐसे बच्चे को जन्म दिया है, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, उठाओ पूरी दुनिया की इंसानियत की तारीख, अगर ऐसा कोई महान इंसान है जिनकी जिंदगी को देखकर हम उनसे कुछ सीख सकें। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई शख्स नहीं है, अगर तिजारत में कोई एक नंबर पर बैठा है तो NFT के अंदर कमी बेशी करके शेयर मार्केट के वहां के मैनेजर को गुलाम बनाकर, झूठ बोलकर, रिश्वत की थैलियां खोलकर और जनाब इंटरेस्ट और सूद के बाजार को गर्म करके उन्होंने एक नंबर की पोजीशन हासिल की। अगर अपनी मेहनत और मशक्कत से अगर किसी ने नंबर 1 का दर्जा हासिल किया है तो ऐसा सिर्फ इंसानी तारीख के अंदर एक शख्स मिलता है, उस शख्स का नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बोलता मौलाना आपके मोहम्मद तो पैगंबर थे, नबी थे, रसूल थे, और तिजारत से उनका क्या लेना देना। हमने कहा कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ नमाज सिखाने के लिए नहीं आए थे, कलमा पढ़वाने के लिए नहीं आए थे, सिर्फ दुआ बतलाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि इंसान की जिंदगी गुजारने में जिन जिन चीजों की जरूरत होती है हर चीज को अल्लाह के नबी बताने के लिए आए थे, जुबान से या अपने फैल से, कौली फैली या अपने तरीके से या अपने मामूल से अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने बताया। उन्होंने कहा कि अच्छा अल्लाह के नबी क्या ग्रेट ताजिर थे। हमने कहा कि अरे अल्लाह के नबी की तिजारत में इतने महान थे, इतने एक्सपर्ट थे कि इस हुनर को देखकर, इस ईमानदारी को देखकर, इस सच्चाई को देखकर खदीजतुल कुबरा ने पैगाम निकाह पेश किया था। खदीजतुल कुबरा मक्का की मालदार औरत, आपकी ईमानदारी को, आपकी तिजारत करने की हुनर को देखकर कि बहुत फायदा हो सकता है, आपने एक मौके पर भेजा मुल्क शाम की, जाओ माल लेकर, 3 गुना मुनाफा कमा कर ला कर दिया अल्लाह के नबी ने। उस वक्त अल्लाह के नबी नहीं बने थे आप अलैहि सलाम ने तिजारत का काम कब शुरू किया, 18 साल की उम्र से, और तिजारत में जाना आना कब से शुरू किया, 12 साल की उम्र से अपने चचा खाजा अबू तालिब के साथ, 15 साल की उम्र से कसरत से जाने लगे, 20 साल की उम्र में नबी नहीं बने हैं, भी नबी अभी 40 साल उम्र में बनेंगे, अभी एक आम साधारण इंसान है, एक नौजवान 20 साल की उम्र में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का और आसपास के मुल्कों में, आसपास के शहरों में नहीं, मुल्के यमन आसपास के अंदर जितने भी उस वक्त के ममालिक थे, मुल्क शाम को गढ़ माना जाता था तिजारत का, वहां जाते थे लोग, तो वहां पर भी नाम था किनका, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का। कैसे, और आपको ताज्जुब होगा कि आपका हम लोग नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का एक नाम असादिक, एक नाम एक अल अमीन के नाम से जानते हैं, सादिकुल अमीन, आप अलैहि सलाम सादिक भी थे और अमीन भी थे, तो ये लकब क्यों पड़ा था। आप कहेंगे कि सच्चे की वजह से, आप बड़े सच्चे थे, झूठ नहीं बोलते थे इसलिए लकब पड़ा, और आप अमानतदार थे,
अमानत से कोई भी अगर कोई आप अमानत में खयानत नहीं करते थे, चाहे वो तिजारत के मैदान में हो, चाहे वो किसी की अमानत कोई रखता है उसको वापस करने में हो, ये दोनों चीजों में, ये दोनों नाम, ये दोनों लफ्ज, ये दोनों खिताब किसने दिया था? एक यहूदी ने दिया था, उसका नाम साइब बिन कैस अल मखजूमी था। नबी 20 साल की उम्र में तिजारत की दुनिया में सबसे नंबर वन पर आपका दर्जा था, नंबर वन पर। झूठ बोलकर नबी ने यह दर्जा हासिल नहीं किया। किसी यहूदी ने कहा साइब बिन कैस से कि तुम कैसे बोलते हो कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सच्चा है, तो साइब बिन कैस अल मखजूमी यहूदी, जितनी अजियत इस कौम ने, इस मजहब ने, इन यहूदियों ने मुसलमानों को आज तक पहुंचाया है, आज तक किसी कौम के लोग ने इस्लाम को, इस्लाम से इतनी नफरत नहीं की, मोहम्मद रसूलुल्लाह को इतनी तकलीफें दी हिजरत के बाद, यहूदी मैदान जंग में आ जाते थे लड़ने के लिए, साजिशें रचते थे ये यहूदी। यही नहीं जनाब, इनसे पहले भी हजरत ईसा अलैहि सलातु वस्सलाम को सूली पर चढ़ाने की नापाक साजिश करने वाले ये यहूदी हजरत इस्माइल, हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम के बेटे इसहाक और उनके बेटे याकूब, याकूब के 12 बेटों में से चौथा बेटा यहूदा, उनकी तरफ इनकी निस्बत है। मैं कभी तहकीक पेश करूंगा जब यहूदियों की तारीख आएगी सामने किसी जलसे पर, तब बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूं कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस कायनात में मखज़ूब अलैहिम जिस कौम को कहा वो यही यहूदी। लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 1,35,00,000 यहूदी बसते हैं। पूरी दुनिया में इस 1,35,00,000 यहूदियों ने इस जमीन पर इंसानों को जीना महाल कर दिया, इंसानों को लड़ाना, आपस में दुश्मनी पैदा करना, खुसूसन मुसलमानों के बीच में, और अभी जो हो रहा है मुल्के फलस्तीन के अंदर, वहां पर नाजायज कब्जा करके अभी 2 दिन पहले एक हॉस्पिटल के ऊपर बम फेंका गया, 500 मासूम बच्चे वहां पर खून से लथपथ और तड़प रहे हैं, अपनी जानें वो गंवा बैठे। और यहूदियों की पुरानी आदत रही है अपने सामने वालों को सबसे पहले ये पानी बंद करता, याद से नहीं, ये नबी के जमाने से ये इनकी साजिशें रही है और ये इनका नापाक हरकत रहा, ये करते हुए आए। मुसलमानों को मिटाने के लिए हर हथकंडे अपनाते, मखज़ूब अलैहिम हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं, इहदिन सिरात अल मुस्तकीम सिरात अल लजीन अनअमत अलैहिम गैर अल मखज़ूब अलैहिम, ए अल्लाह उस कौम के रास्ते पर मत चलाना जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ हो, यही मलून कौम है और यही खबीस कौम है, लानहुल्लाहु अलैहिम अल्फ अल्फ मर्रात। लेकिन वहां के मासूम इंसानों को गाजन मूली के तराज काट रहे, पूरी दुनिया में बादशाहत ये करते, उनकी कामयाबी की वजह क्या है आज मैं बताऊंगा मुख्तसर से वक्त के अंदर। लेकिन मैं इतना कहता हूं, सबसे ज्यादा नफरत अगर इस्लाम से किसी कौम ने की है तो वो यहूदियों ने की। लेकिन अल्लाह के नबी के अमल को देखकर एक यहूदी साइब बिन कैस अल मखजूमी कहता, ए दुनिया वालों, मेरा झगड़ा हो सकता है इस्लाम से, मेरी दुश्मनी और अदावत हो सकती है ईसा के मानने वालों से, मेरी दुश्मनी हो सकती है हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान, इन लोगों को मानने वालों से हो सकती, लेकिन सुनो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के अंदर जो ईमानदारी है मैं उसका कायल हूं, इसलिए कि वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो पैसे मुझसे लेता है, वक्त से पहले वादा जो करता है वो मुकम्मल करता है। इसलिए टुडे वी हैव डिसाइडेड, हम आज ये फैसला कर चुके हैं कि इस जमीन पर सबसे ईमानदार और सबसे सच्चा कोई इंसान है तो उस शख्स का नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने उसको कहा कि देखो भाई, एक यहूदी भी अल्लाह के नबी इतने बड़े ताजिर थे कि उन्होंने आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया,
सादिक अल अमीन, इतने ईमानदार थे आप अली सलाम, झूठ नहीं बोलते थे। आज तो हम लोग तिजारत में झूठ बोलते हैं, कोई कहीं बिजनेस करता है तो कुछ ना कुछ झूठ तो मिलाता ही है। नहीं, आप दुकान पे हैं, कोई सामान आप 10 रुपए को लाते हैं तो आप उसको 15 में बेचिए, 20 में बेचिए, एज योर विश, आपकी जैसी मर्जी। लेकिन ये मत बोलिए आपने 10 में खरीदा है और आप बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो 12 रुपए का ये पड़ा है, आपको मैं 13 में दे रहा हूँ, या मैं 14 में खरीदा, 15 में खरीदा है मैंने, आपको 20 में दे रहा हूँ। ये झूठ है, ये फ्रॉड है, ये मत बोलिए। इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। आप अली सलातो व सलाम का ये मामला, हमने कहा कि देखो भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह को फॉलो करो, तिजारत की दुनिया में आगे बढ़ोगे। आपने ईमानदारी से आपने तिजारत किया, भला एग्जाम्पल, हमने कहा एग्जाम्पल मौजूद है, लाखों करोड़ों एग्जाम्पल मौजूद। यमन से लोग आते थे, भीड़ लगी रहती थी, और भी लोग ऊंट लेकर खड़े हैं, ऊंट लेने नहीं जा रहे, दूसरे यमन के लोग जो आते हैं, नहीं किसका इंतजार है, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का माल आएगा, उनके ऊंट आएंगे, उन्हीं से हम खरीदेंगे। आज भी होता है ना कि कोई दुकान बहुत पुरानी होती है या बहुत अच्छी क्वालिटी की माल देता है, अच्छा सामान देता है, भले ही आदमी को लाइन लगना पड़े, जाके वहीं लेता है। क्यों? अरे नहीं, वो सामान अच्छा देता है। एक मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 20 ऊंट लेकर गए मैदान में बेचने के लिए बाजार में, आप वापस किसी काम से चले गए, आपने अपने खादिम को कहा कि लो ये 20 ऊंट है लेकिन इसमें से एक ऊंट की टांग टूटी हुई है, तो इसकी कीमत 1 लाख नहीं 50,000 रुपए ही रखना। उस वक्त लाख नहीं चलते थे, दीनार और दिरहम, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले गए किसी काम से, उनके खादिम ने उस ऊंट को भी पूरी कीमत में बेच दिया, 20 ऊंट की कीमत 20 लाख रुपए लेकर आ गए। आपने कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, 20 साल की उम्र में, आपकी उम्र ज्यादा नहीं थी, 20 साल की उम्र थी, आप अली सलाम ने कहा कि तुमने उसकी भी पूरी कीमत दी, और कहां का था वो ताजिर जो आया था लेने के लिए, कहा यमन का, कहा वो ऊंट तो यमन जा भी नहीं सकता, उसकी टांग टूटी हुई है, चलो 50,000 वापस भी करते हैं, और 50 वापस करके, बल्कि 1 लाख वापस करके उस ऊंट को लेके आते हैं, वरना उसको परेशानी होगी। गए अपने खादिम को लेकर, कुछ दूर चलने के बाद उस काफले को पाया, आप अली सलाम ने रोका कि रुको भाई, ये ऊंट किससे लिया आपने? उन्होंने कहा कि हमने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के ऊंट है, उनसे खरीदा, पहचानता नहीं था वो कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, उन्हीं के ऊंट हैं, लेकिन ये एक ऊंट, इसकी टांग टूटी हुई है, ये ऊंट नहीं जा सकता तुम्हारे यमन तक, इसलिए इसको रिटर्न कर दो, वापस कर दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, चाहे ये मर जाए रास्ते में, इसको दूसरे ऊंट पर डाल कर लेकर जाएंगे हम लोग। कहा क्यों? कहा यह मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के ऊंट है। कहा तो क्या हुआ? कहा हम उनके ऊंट नहीं, उनकी ईमानदारी का चर्चा हमारे यमन में है, और मेरे आका ने, मेरे मालिक ने कहा कि जाओ मक्का, और वहां पर अगर किसी से ऊंट खरीदना है तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ही के ऊंट खरीदना, किसी और का मत खरीदना। कहा क्यों? कहा वो ईमानदार है, वो झूठ नहीं बोलता है। और उस ताजिर ने कहा कि आप कौन, आपको मालूम है? आप बोल रहे वापस करने को, हम पिछले कई दिन से यहां पर है मक्का के, मक्का शहर में, इस इंतजार में कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का माल आए तो हम खरीद कर जाएं, आज मिला हम लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं ही मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, ये है पॉपुलरिटी, आप इतने पॉपुलर, आप इतने मकबूल थे 20 साल की उम्र में, और हमारा नौजवान, हमारे कौम का नौजवान 20 साल की उम्र में अगर कुछ बनाता है, कुछ सीखता है दुनिया में, तो सिर्फ सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाना सीखता है, फेसबुक चलाना सीखता है, ज्यादा स्पीड में बाइक चलाना सीखता है, और नहीं हम लोग सिर्फ ब्लेम करते हैं,
कि इस्लाम का मतलब इबादत करो सिर्फ, मुसलमानों का मतलब अजान दो सिर्फ, मुसलमानों का मतलब टोपी रखो सर पर और शक्ल में दाढ़ी रखो, मुसलमानों का मतलब मुस्लिम औरत का मतलब नकाब में रहो, बुरके में रहो, हर वक्त इबादत करो, हाथ में तस्बीह के दाने हो, हर वक्त इबादत ही इबादत, जुबान पर अल्लाह का जिक्र हो। ये हम लोग समझते हैं, दुनिया ऐसी समझती है कि इस्लाम और मुसलमान का मतलब ये, ऐसा नहीं है। मैंने कुरान और साइंस के ताल्लुक से बात की है पिछले 6 महीनों के अंदर कि जो लोग इल्जाम लगाते हैं कुरान पर, जो लोग इल्जाम लगाते हैं मोहम्मद पर, बताओ मोहम्मद को किस फील्ड में तुम लोग आजमाना चाहते हो दुनिया वालों? क्या मोहम्मद सिर्फ इबादत बताने के लिए आए थे? क्या मोहम्मद सिर्फ नमाज सिखाने के लिए आए थे? क्या मोहम्मद सिर्फ तलवार लेकर लड़ने के बताने के लिए आए थे? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 शादी के लिए आए थे? जो लोग एतराज करते, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया के अंदर तिजारत की दुनिया में मईशत में इक्तिसादी हालत को मजबूत करने में, क्या सोशल काम में मजलूमों को इंसाफ दिलाने में हमारे नबी पीछे थे? नहीं, बल्कि हर मैदान में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने वक्त में जलवा था और आज तक दुनिया की किताबों के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह की पूरी जीवनी मौजूद है। अंग्रेज क्रिश्चियन लोग नबी की सीरत अपनी किताबों में लिख लिख कर लोगों को बताते। आज मुल्क इसराइल इतना ताकतवर बना कैसे? उन्होंने नबी की 3 बातों पर अमल किया, नबी की 3 बातों पर। सिर्फ एक बात बताता हूं, गोल्डा माहिरा जो 4 नंबर की प्राइम मिनिस्टर बनी थी इसराइल को 1947 में अप्रूवल मिलने के बाद, उन्होंने वहां के लोगों को भूखे रखकर पैसों से अरब में जा जाकर जॉर्डन में जा जाकर आसपास के इलाके में सीरिया में जाकर लेबनान में जाकर और मिस्र में जाकर हथियार खरीदे। इसराइल के अवाम ने उनसे पूछा कि यू आर माय प्राइम मिनिस्टर, यू आर अवर ग्रेट लीडर, मैडम आप हमारे लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर, आप तो भेज देंगे हमें, भूखे मार देंगे, पैसा है खिलाने के बजाय हथियार क्यों खरीद रही हैं आप? उस लेडी ने कहा कि तुम्हें नहीं मालूम, तुम जाओ, मैंने जो पढ़ा है अपनी जिंदगी में, ये सूरज बेनूर हो सकता है, ये चांद की रोशनी खत्म हो सकती है, लेकिन मैंने जो पढ़ा है अपनी किताब में वो कभी भी बेतारीख और झूठी नहीं हो सकती। उस वक्त उन्होंने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। 1947 में जंग शुरू होती, 6 मुल्कों को तने तन्हा, ये यहूदियों का ये मुल्क 55 मुस्लिम कंट्रीज के बीच में तन्हा इसराइल बसता। ये 6 मुल्कों को 1947 से लेकर 1967 तक ये हरा देता है मुल्क इसराइल। इनके पास असलहा, इनके पास तीर तफंग, इनके पास अपनी रक्षा के लिए औजार और आलात थे। उसके बाद जब जंग जीत जाती है वो, तब मीडिया वालों को और आवाम को सबको संबोधन करके कहती, तुमने सवाल किया था ना कि हम क्यों हथियार खरीद रहे हैं, खाना रोटी खरीदने के बजाय, मुल्क इसराइल की जनता को पेट उनके पेट भरने के बजाय हम हथियार क्यों खरीद रहे हैं? आज हमने जीत हासिल की, अब जीत हासिल की तो आप आयश के साथ तुम खाते पीते रहना और तुम्हारी हुकूमत होगी दुनिया में। आज बड़े बड़े सुपर पावर ताकत अगर इसराइल पर हाथ डालने से डरता है, क्यों? इसलिए कि दूसरी बड़ी सुपर पावर ताकत बनने जा रही दुनिया की। किस वजह से? उस औरत ने क्या पढ़ा था आखिर जो उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया? किसी ने कहा, सवाल किया तो उस लेडी ने, उस प्राइम मिनिस्टर लेडी ने, गोल्डा माहिरा ने कहा कि आओ मैं तुम्हें जवाब देती हूं, मैंने पढ़ा था अपने स्कूल के चैप्टर में
लास्ट प्रॉफेट मोहम्मद की तारीख की उन्होंने 23 साल के कलील मुद्दत में 125,000 लोगों के दिलों में अपना जगह बनाया था, और उन्होंने 23 साल के कलील मुद्दत में 10-13 साल तक जुल्म सितम की चक्की में पिसते रहे, लेकिन आखिर के 10 साल के अंदर 27 जंगें लड़ी और उनके पास 9 तलवार थी और उनके पास कपड़ा पहनने को एक भी नहीं था। पता ये चला कि सामने वाले को डराना है, सामने वाले अगर तुमसे डरेंगे तो तुम्हारी ताकत का अंदाजा उनको होना चाहिए। यह सीखा कहां से? मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी से। एक यहूदी भी कामयाब है तो नबी की गुलामी करके कामयाब, और आज मुसलमान अगर नबी का आशिक होने के बावजूद भी अगर फेलियर है तो मुसलमान जुबानी एतबार से दावा करता है, अमली एतबार से मुसलमान खोखला। मुसलमानों की जिंदगी में नमाज है, फजर की अजान होती है क्यों सोता है मुसलमान, सूद हराम है क्यों खाता है मुसलमान, जासूसी गुनाह है क्यों एक मुसलमान की हमी को और उनकी कोई पोशीदा बात को अपने डुप्लीकेट खुदाओं को खुश करने के लिए बताता है, जासूसी और चुगली करता है। जानता है वला तजस्सु वला यगतब बाज़ुकुम बाज़ा, कुरान साफ लफ्जों में कहता एक दूसरे की जासूसी नहीं करो। इन स्पाइट ऑफ दैट मुसलमान ये गुनाह करता है, सूद बहुत बड़ा गुनाह है, उसके बावजूद भी मुसलमान सूद खाता है। क्या नमाज छोड़ने के लिए किसी पार्टी ने कहा कि नमाज छोड़ दो? सूद खाने के लिए क्या हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने कहा या उत्तर प्रदेश के लाल मुजक्कर साहब योगी जी ने कहा कि तुम सूद खाओ नहीं तो तुमको मॉब लिंचिंग कर दिया जाएगा? ये तो सिर्फ बहाना। जिन अमाल को, जिन फरीजों को हम अदा कर सकते और जिन गुनाहों से बच सकते हैं हम लोग, उस पर किसी ने आपको मजबूर नहीं किया। आज जो मुसलमान इतने हालात में गिरा हुआ है, यकीनन अपने आमाले बद की वजह से गिरा हुआ है। जरूरत इस बात की है कि अपने अंदर तब्दीली पैदा करें। बहरकैफ मैंने उनको समझाया कि देखो भाई, हमारे नबी ऐसे रहमत हैं कि आप अली सलाम दुनिया के किसी भी महापुरुष को उठाकर देख लीजिए, हर फील्ड में वो रहनुमाई नहीं कर सकता, लेकिन हमारे नबी ऐसे हैं कि हर फील्ड में रहनुमाई करता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा रहमतल लिल आलमीन, क्या आप हर मसले का हल हैं? कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा कि मौलाना कंप्लीट बात समझ में नहीं आई, थोड़ा और क्लियर करके समझाइए। हमने कहा कि आओ थोड़ा क्लियर करके समझाते हैं, आओ। हमने कहा कि अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ी बीमारी आई थी, हमारे उलामा, हमारे अकाबिर, हमारे सर के ताज हैं, काबिल इज्जत हैं, चाहे वो हाफिज हों, चाहे वो कारी हों, चाहे वो आलिम दीन हों, चाहे वो मुफ्ती हों, चाहे वो काजी हों, अंबिया के बाद इन्हीं का नंबर आता है। ये कुरान हदीस की बात हमें समझाते हैं, इसीलिए अल्लाह ने इल्म की वजह से इनको रुतबा और इनका मकाम बुलंद किया है। तो हमारे उलामा बताते हैं कि अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल करोगे तो 100 शहीदों का सवाब मिलेगा, चूंकि हदीस में है। मेरे ख्याल से इस नीयत से हमारे नौजवान तो किसी सुन्नत पर अमल करते नहीं। अभी कोई एक्टर, सलमान, शाहरुख, आमिर कोई ऐसा वो लेकर आ जाए और हमारा जवान पीछे पड़ जाता है फैशन उसको फॉलो करने के लिए, मिलेगा कुछ नहीं, बल्कि पैसा और खर्च होगा। बाल उल्टे सीधे बना के आते, पीछे छोटे बाल, आगे एकदम बिल्कुल वो चिड़िया की तरह वो घोंसला बना के ऐसे करके, और उस पर अजीब अजीब तरह के कलर करते हैं हमारे नौजवान। क्यों? अरे ऋतिक रोशन के बाल ऐसे, इसीलिए हमने बनाया ऐसा फैशन। सर हिलाएंगे, बाल हिलाएंगे, इधर से उधर कंघा करेंगे, नहीं मालूम क्या क्या समझते हैं वो जवान। जबकि कल कयामत में एक तरफ से इन सबको मुर्गा बना दिया जाएगा और ऐसी पिटाई होगी कि बंदर के तरह लाल हो जाएंगे। ये खुद तो नहीं बचा पाएंगे अपने आप को, आपको कहां से बचा पाएंगे? लेकिन अगर
एक तरीके पर अगर आप अमल कर ले, अल्लाह 100 शहीदों का सवाब देगा, तो वो तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मन अहया सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअति शहीद। ऐसे वक्त में अगर एक सुन्नत पर कोई अमल कर लेता है, ऐसे वक्त में, सुन्नत क्या है जी, मिसाल के तौर पर खाना खाने बैठ रहे हैं, दस्तरखान बिछा लीजिए, हाथ धोकर खा लीजिए। आप सिर्फ सुन्नत समझते हैं, लेकिन बहुत सारी हिकमत है इसमें, बहुत सारी जो अल्लाह के नबी को अल्लाह ने बताया है। वही के जरिए और भी बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं बताने के, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बताया। आसमान से रब के पास से नबी के पास 23 साल तक फरिश्ता आता रहा, इसका भी प्रमाण मिलता है। अहमेव सौयमिदं बदामि जुष्टा बिरुद्दवा बिरुत्मान शबियम कामैतत् मुगुर्णम कुर्णमितं ब्रह्मानं तमुर्षिदं सुमिधाम। क्या मतलब इसका संस्कृत में है? इसका मतलब है वमा यंतिकुआनिल हवा इन हुआ इल्ला वाह्युहा। नबी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता, अल्लाह की तरफ से वही की जाती है, और वही की कई शक्ल होती है। हजरत जिब्राइल अपने फरिश्तों के जरिए से अल्लाह तबारक व ताला नबियों तक बात पैगाम पहुंचाते हैं, फिर वह आवाम तक पहुंचाते हैं। एंड दिस ऑर्डर एंड दिस कमांड बाय अल्लाह सुबहानहु व ताला, ये अल्लाह की तरफ से है, हम सबकी कामयाबी के लिए इस पर अमल करो। तो बताया कि मन अहया सुन्नति, एक सुन्नत पर अमल कर लोगे 100 शहीदों का सवाब। सलमान खान के हेयर स्टाइल पर अमल करोगे, उनका 6 पैक देखकर तुम 7 पैक बनाओगे, तो कल तो ये करेंगे या रब्बी नफसी नफसी। तुम कहोगे कि एक्टर साहब, हम तो आपकी एक एक फिल्म में देखते थे, आज एक नेकी की जरूरत है, दे दो। वो कहेगा कि मैं अब अपने अपने बाप सलीम खान को एक नेकी नहीं दे सकता, तुम किस खेत की मोली हो। हर आदमी नफसी नफसी के आलम में हो, योम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मीही व अबी। लेकिन अगर आपने सुन्नत पर अमल की होगी, तो कल कयामत में पूरी दुनिया के लोग या रब्बी नफसी नफसी। लेकिन अगर कोई इस उम्मत के लिए दुआ करेगा, तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। वयकूलु रसूलुना व नबीयुना व हादीयुना शफीउना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। इस कायनात का अब्बा, इस कायनात का दादा आदम भी हाथ उठा लेंगे, नूह भी अलग हो जाएंगे, इब्राहिम भी अलग हो जाएंगे, बल्कि यूं कहिए मूसा भी अलग हो जाएंगे, सब यूसुफ भी अलग, ईसा भी अलग, दाऊद भी अलग, और वो पूरी दुनिया में बादशाहत करने वाले नबी हजरत सुलेमान, वो भी अलग, सब या रब्बी नफसी नफसी। वयकूलु आदमु सफीउल्लाह यौमल कियामा या रब्बी नफसी नफसी। वयकूलु नूहु नजीउल्लाह यौमल कियामा या रब्बी नफसी नफसी। वयकूलु इब्राहीमु खलीलुल्लाह यौमल कियामा या रब्बी नफसी नफसी। वयकूलु इस्माईलु ज़बीहुल्लाह यौमल कियामा या रब्बी नफसी नफसी। वयकूलु मूसा कलीमुल्लाह यौमल कियामा या रब्बी नफसी नफसी। वयकूलु यूसुफ सिद्दीकुल्लाह यौमल कियामा या रब्बी नफसी नफसी। वयकूलु ईसा रूहुल्लाह यौमल कियामा या रब्बी नफसी या रब्बी नफसी। वयकूलु रसूलुना व नबीयुना व हादीयुना शफीउना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल القيامة يا ربي أمتي يا ربي أمتي. ويقول الجليل الجبار جل جلاله أما نواله حبيبي حبيبي يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. اے نبی آپ مت گھبرائیے, میں معاف کرتا ہوں سب کو, اور ایک ایک فرد ہم اور آپ
जो दुनिया के अंदर पुजारी बने बैठे हैं एक्टर और एक्ट्रेस के, जो दुनिया के अंदर हम नबी की सुन्नत से मुंह मोड़ लेते हैं, वो नबी आपके जन्नत जाने तक सजदे से सर नहीं उठाएगा जब तक एक एक उम्मती की मगफिरत और बख्शिश नहीं हो जाती। तो उनकी एक सुन्नत पर अगर अमल कर लोगे तो अल्लाह 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमने उनको कहा कि भाई देखो हाथ धोते हैं। उन्होंने कहा कि क्या फायदा हाथ धोने से, क्या फायदा भाई, स्पून से खा लेंगे हम तो टच भी नहीं होगा। अगर स्पून तो बात की बात है, उंगली तीन उंगली से लुकमा बनाकर खाने में फायदा, ये तीन ऐसे करके, ये देख के मसलियत क्या है, ये पांचों उंगली बराबर अल्लाह तबारक व ताला रख सकता था, लेकिन खाने में पकड़ने में पांचों उंगली अगर बराबर हो तो यू कांट कैच एनीथिंग, आप सही से प्रॉपर किसी चीज को नहीं पकड़ सकते। ये मसलियत है, ये छोटी बड़ी। तो आप लुकमा बनाकर स्पून में आप कोई भी चीज अगर है तो उसको काट कर या उसको अलग अलग करके खाने में स्पून में दिक्कत होती है, उंगली से बड़ी आसानी से आप उसको अलग अलग करके खा सकते हैं। छोटा लुकमा, थोड़ा बड़ा लुकमा अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। ये सुन्नत है, हाथ धोकर खाना सुन्नत है। तो हम लोग सिर्फ इतना कहते थे भाई हाथ धोकर खाना सुन्नत है और सुन्नत में कोई ना कोई मसलियत है। वो ये कहते थे कोई मसलियत नहीं है, हम बिना हाथ धोए हुए खाएंगे। लाख तकरीर करते हमारे उलामा, लोग समझने के लिए तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर के कुछ चेलों ने कहा कि हम तो कुछ दिनों के बाद मिटा देंगे इस सुन्नत को, हम तो मानेंगे ही नहीं, बिकॉज वी आर एनिमीज ऑफ इस्लाम एंड वी वॉन्ट टू वाइप ऑफ द मैसेज ऑफ इस्लाम फ्रॉम द अर्थ। हम जमीन से इस्लाम को खत्म कर देना चाहते, तुम सुन्नत की बात करते हो, हम तुम्हारे सुन्नत को क्या तुम्हारे नबी को नहीं मानते, तुम सुन्नत की बात करते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अच्छा सुन्नत का इनकार तुम कर रहे हो, सुन्नत की तौहीन भी कर रहे हो, और सुन्नत से क्या फायदा है तुमको यही देखना है, दिखा देते। अल्लाह तबारक व तआला ने एक बीमारी को भेजा, कहां से, चाइना से भेजा, कोरोना को भेजा सुन्नत की अहमियत समझाने के लिए। हमारे उलमा तो थक गए बेचारे बता बता के, अरे सुन्नत है और इस सुन्नत के अंदर कोई ना कोई हिकमत है, परेशान हो गए, दलीलें देखकर परेशान हो गए, नहीं देते। तो कोरोना एक छोटा सा एक वायरस जो सिर्फ नाक से घुसता था, कान का रास्ता मालूम नहीं था उस कोरोना को। कान का रास्ता पता होता तो कान में भी कहते हैं कुछ रूई डाल लो, लेकिन अजीब वायरस था ये अकलमंद। रात को 8 बजे के बाद सड़कों पे वो वायरस घूमता था, कभी कभी 8 से लेकर सुबह 6 बजे तक वो लॉकडाउन। क्यों जी, कोरोना रात को घूमता है। कभी कभी हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन, बाकी सब दिन छूटा। शायद वो कोरोना पड़ता होगा किसी स्कूल में, उसकी 2 दिन की छुट्टी होती थी, उसी दिन प्रशासन लगा देती। ये फार्मूला हमें आज तक नहीं समझ में आया, आप लोगों के यहाँ भी लगा होगा, कभी हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन है, कभी रात को इतने बजे से इतने बजे तक आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते। वो फार्मूला हमें समझ नहीं आया, इतना ढूंढा, गूगल पे ढूंढा, गूगली भी रिजल्ट देने से इनकार कर दिया कि ये चीज हमें समझ में नहीं आई। तो बहरकैफ अब इस सुन्नत को समझाने के लिए कोरोना वुहान शहर से सफर करके आया भारत में। 24 मार्च सन 2020 को हम भी फंस गए थे किसी ये झारखंड के एक शहर धनबाद में फंस गए थे, उसी प्रोग्राम में गए थे, तो लॉकडाउन लग गया, सारी ट्रेनें अचानक वो हो गई। तो बहरकैफ उससे पहले तो नहीं जानते थे, कोरोना का नाम भी नहीं सुना था। जब आया तो चारों तरफ रोना ही रोना ऐसा हो गया कि मत पूछिए, सब आदमी बेहाल परेशान। भाई इस ये बीमारी है तो बचें कैसे? दो तीन बल्कि तीन जरूरी चीजें बताई किसने, हमारे इस देश के बड़े कायद जिन्हें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, इसी शायद स्टेट से, इसी सूबे से शायद बिलोंग करते हैं वो। तो उन्होंने बार बार आके बोलते थे कि इस कोरोना से अगर बचना है तो तीन काम कीजिए। पहले नंबर पर हाथ धोइए कसरत से,
पहले तो बहुत मना कर रहे थे, हाथ नहीं धोएंगे, सुन्नत है तो क्या वह हम मिटा देंगे, अब हाथ धो रहे हैं बार बार, पानी ना मिले तो सैनिटाइज कीजिए। आज ही हमने देखा फ्लाइट में जब हम बैठे कलकत्ता से, एक आदमी दो मर्तबा उसने चाय ऑर्डर की ढाई घंटे में, तो दोनों मर्तबा वो सैनिटाइज निकाले ऐसे ऐसे कर। हमने कहा वाह ये है देखो हमारे नबी की सुन्नत पर अमल हो रही फ्लाइट में भी। तो पहला उन्होंने कहा कि अगर इस कोरोना से बचना है, वैक्सीन तो आया नहीं था उस वक्त में, शुरू शुरू के अंदर में सब परेशान कि भाई इस बीमारी को कैसे खत्म करें, बस दो ही तीन उपाय, एक तो ये कि भाई हाथ धोते रहें, हाथ सैनिटाइज करते रहें, कहीं पर भी जाइए शॉपिंग मॉल में जाइए तो वो भी कहते थे सुन्नत पर अमल कर लो, यानी हाथ सैनिटाइज करके आओ भाई जाओ। हमारे उलामा चीख चीख कर थक गए कि भाई हाथ धो, हाथ अल्लाह के नबी क्यों धोलने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते थे कि आदमी के हाथों में बहुत सारे कीटाणु होते हैं और वह खाने के रास्ते से अंदर जाता है। तो WHO ने बताया, यही रिपोर्ट दिया कि नहीं दिया कि कोरोना आपके हाथ से मुंह के अंदर से पेट में जाएगा और आपके ऑर्गन्स को खराब करेगा वो, और अल्लाह के नबी की यही रिसर्च है, अल्लाह के नबी का यही फरमान है कि हाथ धोकर खाना खाओ ताकि तुम्हारे अंदर तुम्हारे हाथ में कोई बैक्टीरिया हो, कोई गंदगी हो या कोई कुछ भी हो वो नीचे रह जाए, साफ हो जाए। और यहां तक अल्लाह के नबी ने ये कहा है कि साबुन से नहीं, उस वक्त तो ये कहा था कि हाथ अगर बेहतर साफ होता है तो मट्टी से होता, मट्टी से जो हाथ साफ होता है वो किसी और साबुन से या किसी और हैंड वॉश से नहीं होता। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते थे काम करो, हाथ धोकर आओ घर पे, कोई भी घर से आ रहा, पुलिस वाला भी आ रहा, बच्चे आ रहे दौड़ करके, अब्बा आ गए, वो कहते रुको रुको एक मिनट हाथ धोने दो पहले, वो भी हाथ धो करके तब अपने बच्चे को गोद लेता था। तो लीजिए भाई हाथ धोने की अहमियत कोरोना ने समझाया कि बड़े मां इनकार करते थे, मौलाना समझाते तो समझ में नहीं आ रहा था कि भाई सुन्नत है तो सुन्नत का विरोध करते थे कि नहीं हम नहीं धोएंगे हाथ, लो अब दिन में 3 मरतबा 5 मरतबा 10 मरतबा हाथ धो, जहां जाओ बाहर जाओ तो सैनिटाइज करके आओ, वो हो गया। अब दूसरा कौन सा, कुरान का एक फरमान है हमारी माओ बहनों के लिए कि आप बाहर कहीं जाएं तो आप हिजाब लगा कर जाएं, आप नकाब डाल कर जाएं। बड़े चीखते थे इस देश के अंदर कुछ फिरका परस्त तंजीमें, नाम नहीं लूंगा मैं, खुद समझ जाएंगे आप, 1925 कोई रजिस्टर है, कोई उससे पहले रजिस्टर है, कोई उससे पहले रजिस्टर है, जो इस देश की आजादी के लिए कतरा खून नहीं बहाए आज वो बोल रहे हैं। ये आज भी एयरपोर्ट के बाहर शायद अनाप शनाप नारे लगा रहे थे, अनस भाई को, इंतखाब भाई को मालूम है और जो साथी गए थे उन्हें पता, अनाप शनाप नारे लगा रहे, कुर्बानी हमने पेश की, शामली के मैदान में हमारे उलमा के कनपट्टी पे गोली लगी, अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग में 3000 उलमा के सीनों में गोलियां लगी, मौलाना शौकत समीत साहब उस कुएं के अंदर आज भी जाइए और उन दीवारों के अंदर आज भी गोलियों के निशान बने हुए हैं, सारी कुर्बानियां हमने पेश की है। 60-65 हजार उलमाए किराम को उल्टा लटकाया गया, दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर खैबर तक का कोई दरख्त ऐसा बाकी नहीं था जिनमें हमारे उलमा की गर्दने न लटकी हुई हो। माल्टा के अंदर आज भी मौलाना फजल हक खैराबादी की कब्रें मौजूद है, माल्टा के अंदर आज भी मौलाना जाफर थानेसरी की कब्रें मौजूद है, चले जाइए माल्टा के अंदर आज भी मौलाना हुसैन अहमद मदनी की चीख मौजूद है, आज भी वहां पर शेखुल हिंद मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाही अलैह की चीखें और आवाजें मौजूद है, और आज ये आए नारा लगा लगा करके ये देश हमारा, ये देश हमारा, होता कुछ नहीं। अभी लड़ाई युद्ध चल रही है फलस्तीन अमेरिका में, एक लाल बुजक्कर वो क्या बोलता है, हम इसराइल के प्राइम मिनिस्टर से आग्रह करना चाहते हैं आप हमको परमिशन दीजिए, हम 1000 जवान को लेकर आकर फलस्तीनियों को मारेंगे। तो किसी ने नीचे लिख करके बताया उनको, नहीं इंटरव्यू में ही जवाब दिया किसी ने, वहां मत जाओ, वहां जरूरत नहीं है, पहले चाइना वाले से लड़ लो जा करके, यहां पर इस देश को बचा लो। तो बहरकैफ अल्लाह का फरमान है नकाब अपने चेहरे पर डाल लो, हिजाब कर लो, हिजाब लगा लें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 70 हदीसें मौजूद है इस पर, और तकरीबन 7 आयतें कुरान करीम की हिजाब पर पर्दे पर है, साफ साफ वाज़ह लफ्जों में वजाहत के साथ। लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं
बच्ची के साथ औरत के साथ ये तो जुल्म है। 6 घंटे अगर एक औरत घर से बाहर जाए मार्केट में, 6 घंटे तक हिजाब मुंह कैसे बंद करके रह सकती है? वो तो घुट कर मर जाएगी। बड़ा रहम आ रहा है, इंटरव्यू में चीख चीख कर बोल रहे, इसीलिए हम हिजाब और नकाब जैसे हुक्म को नहीं मानते। कोरोना ने ये भी समझा दिया। कोरोना का कि बेवकूफ आदमी, आओ तुमको समझाता हूं, 6 घंटे सिर्फ नकाब और हिजाब पहनने से कुछ नहीं होता। तुम एलिगेशन लगा रहे हो कि अरे मुसलमानों में 6-6 घंटे तक बच्चियों के सांस घुटने लगते, दम घुटते अगर मार्केट जाए या शहर में बुरका पहनकर जाए, नकाब या हिजाब लगा कर जाए, इसीलिए हम लोग उनको आजादी दिलाना चाहते हैं इस कष्ट वाले अमल से। कोरोना ने कहा कि ये कष्ट नहीं है। जब कोरोना आया तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अगर कोरोना से बचना है मास्क लगा कर रखो। और जनाब मास्क 1-2 घंटे नहीं, 12-12 घंटे, 24 घंटे अगर किसी की ड्यूटी है तो 24 घंटे तक मास्क लगा करके रखो। जब तुम 24 घंटे मास्क लगा कर रह सकते हो तो क्या 6 घंटे तक हमारे बच्चे नकाब पहनकर मार्केट में नहीं रह सकती क्या? कोरोना ने बता दिया कि भाई हिजाब की क्या अहमियत है। ये देख लीजिए, अल्लाह तबारक व ताला समझाता है, अल्लाह की लाठी में आवाज कभी नहीं होती, कोई ना कोई रास्ता निकालता जरूर है। तो हमने कहा कि भाई देखो, रहमतुल लिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन समझ में आ रहा है। 1400 साल पहले जो अल्लाह के नबी बता कर गए, 1450 साल पहले समझ में नहीं आ रहा था। जो जो चीजें समझ में नहीं आ रही थी तो अब समझ में आ रही है ना, कि अल्लाह के नबी का कोई भी अमल रहमत से खाली नहीं है, कोई भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का। और हमारे नबी ने यह भी कहा, मिलजुल करके रहो, सब साथ में आगे बढ़ो, हिंदू हो के मुसलमान हो, मुआशरती एतबार से जिंदगी गुजारनी है, आपस में मामलात करना है, एक तरफ यहूदी है, एक तरफ नसरानी है, एक तरफ गुलाम है और एक तरफ मालदार है, अमीर है। आप अली सलाम ने सबको साथ लेकर जिंदगी गुजार कर बताया है। आप अली सलाम ने कोई भेदभाव नहीं किया था, जैसे आज इस देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर लोग ये अब भेदभाव करते हैं कि ये तो नीचे तबके से है, ये तो फना बड़ी बिरादरी का नहीं है, ये तो गरीब है, ये तो कमजोर है, ये तो आदिवासी है, ये दलित है, ये तो टोपी और दाढ़ी वाला है, इनके लिए अलग कानून बना दो, CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इनको अलग कर दो। हम कहते थे हम अलग नहीं है, हम एक साथ रहेंगे। भारत का संविधान कहता है कि सब जब एक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत का जो प्रियाम्बुल कहता है, संविधान का आर्टिकल नंबर 14 कहता है कि भाई इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इस देश के अंदर अगर रहना है तो भारत के संविधान को मानकर एक साथ सबको आगे चलना होगा। इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान के नजरिए से ये देश तरक्की नहीं करेगा। मुसलमान अपनी शरीयत पर अमल करेंगे, हिंदू अपने ग्रंथों पर अमल करेंगे। गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, सिख भाई जो हैं वो अपने अपने आदि ग्रंथ को मानेंगे, और गौतम बुद्ध सिद्धार्थ वो अपने पारकुलीत की किताब को मानेंगे, और महावीर जैन स्वामी वो अपनी अवस्था को मानेंगे, और कन्फ्यूशनिज्म और शनटू कौम वो अपने 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 बनाए हुए खुदा को मानेंगे। कोई किसी के खिलाफ बात नहीं करेगा। हमारे देश के संविधान ने यही कहा और ये कहा कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून बना दिया कि नहीं, तुम अलग, तुम मुसलमान, तुम अजान वाले, तुम नमाज वाले, तुम टोपी वाले होना, तुम अलग अलग रहो। अल्लाह के नबी कहते थे कि अलग मत रहो, मिलजुल कर जिंदगी गुजारो, एक दूसरे की मदद करो। इंसानियत के नाते से तुम्हारे पड़ोस में कोई इंसान अगर बसता है तो उनको अपनी जुबान से, अपने हाथ पैर से तकलीफ मत दो। अल्लाह के नबी ने यूं कहा, ला यदखुलुल जन्नत मन ला यामनु जारहु बवाइकहु। ऐ मुसलमान, अगर तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई पड़ोसी है उसको तुम तकलीफ देते हो धर्म के नाम पर, तो याद रखो कल कयामत में तुम जन्नत नहीं जा सकते। यानी मिलकर रहो,
लेकिन कुर्सी इख्तदार पर दो बैठे फसादी, दो तीन चार पांच फसादी हमारे देश के संविधान को बदलने के लिए उन्होंने अलग अलग कानून बना दिए जनाब कि नहीं ये अलग है ये अलग है। अल्लाह तबारक व ताला ने कोरोना को भेजा कि जाओ अलग रहने की सजा क्या बताओ, और ऐसी सजा दी इस कोरोना ने अपने बच्चों से भी नहीं मिल पाते थे। बेटी वहीं पर रहो, 6 फीट की दूरी इसी में है, इसी में रहना है जरूरी। 2 फीट, 2 गज, 6 गज दूर रह रहे हैं आदमी, क्यों? इसलिए कि भाई कोरोना कहीं टच ना कर ले एक दूसरे को, कोरोना ना सरायत कर जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का क्या मतलब है? अल्लाह कहता है कि हमने इस धरती पर इंसान को बनाया। उठाओ अपनी किताब के अंदर कहा गया, शुद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मण चैति शुद्रताम क्षेत्रीय याति वितरत्वम विघा दिवीच्यम तथे चचा सए के बात्रपति पर जानाम कथम पुनर्जति कृत पर भेदा। साफ साफ लफ्जों में कहा गया कि इस धरती पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, तो तुम कौन होते हो अलग अलग उसमें पिरोने वाले। हमने कहा कि भाई साहब यह है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, और अल्लाह के नबी के अमल की वजह से बड़ी बड़ी बीमारी से हम बचते हैं। इसीलिए अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर हमारे नबी के लिए कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल्लिल आलमीन, कि अल्लाह के नबी रहमत बनाकर भेजे गए इस दुनिया में। अब आई बात समझ में? बोला मौलाना हाँ, कुछ कुछ बात हमारी अब समझ में आई। हमने कहा पढ़ो, पढ़ोगे तो पता चलेगा। उन्होंने कहा कि व्हाई डू यू ऑफर सलाह एवरी डे 5 times a day, व्हाई डू यू ऑफर सलाह, किस वजह से आप लोग नमाज पढ़ते हैं डेली? हमने कहा कि दिस इज कमान ऑफ अल्लाह सुबहानहु व तआला, ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है और अल्लाह के नबी ने पाबंदी के साथ नमाज पढ़ी। हम मुसलमान पढ़ते हैं ईमान के बाद सबसे पहले, सबसे पहले ईमान के बाद सबसे पहले नंबर किसका आता है? नमाज पढ़ने का। और हमारे मुसलमान भाई नमाज बहुत कम पढ़ते हैं, छोड़कर पढ़ते हैं, नागा करके पढ़ते हैं, सफर में हैं, कहीं किसी मौका नहीं मिल रहा है। आज तो माहौल ऐसा बना दिया गया कि सफर में जाएंगे, हालांकि सफर में तो भी आसानी है, अगर चार आप मुसाफिर हो गए तो 4 की जगह 2 ही पढ़ लीजिए, जहां जगह मिल जाए पाक जगह वहीं पढ़ लीजिए, ट्रेन में भी पढ़ना चाहते हैं वहां पढ़ लीजिए। अल्लाह तबारक व ताला हर जगह आपके अमल को देखता है, आपके दिल को देखता है। लेकिन आज हालत ऐसी बना दी गई है, हालात ऐसे इस देश के हो गए हैं कि अगर आप ट्रेन में भी नमाज पढ़ते हैं तो कुछ नौजवान क्या करते हैं, मोबाइल में हमारी नमाज देखकर, हमारी नमाज देखने के बाद मोबाइल में खोलते हैं वह हनुमान चालीसा निकालते हैं। ओहो ये मुसलमान नमाज पढ़ रहा, लुको हनुमान चालीसा निकाल के तब पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आगे आता ही नहीं, एक लाइन पढ़कर उनको देखकर जोर जोर से पढ़ते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, बेचारा नमाज पढ़ते। ये रंजिश है, ये बजरंग बली भक्ति नहीं है, ये रंजिश है, अदावत है। एक जगह तो शायद लखनऊ से हम आ रहे थे, दूसरे केबिन में कोई आदमी जमात वाले साथी नमाज पढ़ रहे थे, जमात बनाकर अपने उसमें, रास्ते को नहीं रोका था उसने। इस बात का ध्यान रखें अगर आप सफर में जाते हैं, हालात बहुत नाजुक हैं, मुनासिब जगह हो आपके नमाज पढ़ने से किसी को तकलीफ ना हो, आम जगह के ऊपर अगर आप नमाज पढ़ेंगे रास्ता बंद हो जाएगा, ट्रेन में बीच में नियत बांध लेंगे तो जायज नहीं है, इजाजत नहीं है आपको। हाँ अगर वो राजी हो जाए ठीक है भाई हम रहते हैं 2 मिनट रुकते हैं, बहुत से ऐसे हमारे इस देश के अंदर हिंदू भाई हैं कि भाई आप नमाज पढ़िए तो वो आपके लिए रुकेंगे, आपके लिए मसल्ले का इंतजाम करेंगे, आपके लिए पानी का इंतजाम करेंगे। मैं मेरठ जाता हूँ हर साल किताब के संरक्षण के लिए, जिस पब्लिकेशन में जाता हूँ वो हमारे हिंदू भाई जैसे ही नमाज का वक्त होता है कहता है कि मौलाना रोक दीजिए पानी लाता हूँ, पानी लाता है और अलग से कपड़ा लाता है, अलग से जो कपड़ा बहुत धोया हुआ होता वो कपड़ा लाकर कहता है आप नमाज पढ़िए तब हम काम करेंगे। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन कुछ फसादी हैं, ना वो इस देश के हैं, ना वो ईश्वर के हैं, ना वो संविधान के हैं, किसी के नहीं, तो नमाज पढ़ रहे थे उन्होंने
वही तीन चार स्कूल के लड़के, उन्होंने सोचा कि अच्छा मौका है इनको बहकाने का, ये इनको चिढ़ाने का। अब हंसने लगे, मोबाइल में ढूंढ रहे हनुमान चालीसा, वही हनुमान चालीसा मोबाइल में पीडीएफ निकाल करके जय हनुमान है ज्ञान गुण सागर जय कपीसते हम लोगों को उजागर, इससे आगे उनको आता ही नहीं था। हम दूसरे केबिन में नीचे लोअर बर्थ पे बैठे हुए थे, हमने कहा अच्छा हम जय उनके पास, हमने कहा कि भाई क्या कर रहे। उन्होंने कहा कि मुल्ला जी लोग सुधरेंगे नहीं, इसीलिए भी इनके लिए हम ये जोर से कुरान पढ़ रहे ना, सूरह फातिहा पढ़ रहे हम, हनुमान चालीसा पढ़ रहे। हमने कहा कि सुनाओ पढ़ के जरा। बस भाई जय हनुमान ज्ञान गुण सागर एक लाइन पढ़कर दूसरे को मोबाइल दे देता, अरे तू पढ़। वो कहता हमको नहीं आती, तू ही पढ़। हमने कहा तू और तू मत कर, ला मैं पढ़ता हूं। हमने कहा लो पढ़ो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसते हो लो को रोजागर, राम दूत अतुलित बलदामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, कंचन वरन वराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित के सामने का पढ़ो। हमारे मुंह की तरह देख रहे। हमने कहा क्या हुआ? उनकी नमाज देखकर आपको बजरंग बली याद आने लग गए, और बजरंग बली से इतनी मोहब्बत की एक ही लाइन याद है। हम तो बजरंग बली के पुजारी भी नहीं है, लेकिन हमको याद है। बोलो तो तुमको पूरे 40 लाइन सुना देते हैं, तर्जमे के साथ सुना देते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हमने बता दो जय का मतलब क्या, ज्ञान का गुण सागर का क्या मतलब। बोला बहुत ज्यादा जानकार, राम दूध अतुलित बलदामा इतका बताओ। बोला इसका मालूम नहीं। हमने कहा कि राम दूध, दूध किसको बोलते हैं? दूध बोलते हैं मैसेंजर को। राम दूध अतुलित बलदामा, राम के मैसेंजर और ताकतवर अंजनी पुत्र, अंजनी पुत्र हनुमान को किसी ने पैदा नहीं किया, इसलिए संस्कृत में कहा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, हवाओं से बात करने वाले हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वह हवाओं में उसको उड़ा कर लेकर आए थे पहाड़ को, और हवाओं में उड़ने की शक्ति थी। हमने कहा कि है, हम तो नहीं है उनके भक्त, हमको तर्जुमा आता है बाबू देख लो। अब वो उनके भूल गए, हमारे पीछे पड़ गए, मौलाना आपको कैसे इतना सब कुछ पता है। हमने कहा कि देखो आपकी सारी किताबें मैं पढ़ता हूं, आपकी रामायण, आपकी गीता, महाभारत, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। हमने कहा कि यकीनन आपको हिंदू धर्म से मोहब्बत है। बोला हाँ बिल्कुल, हमें प्राउड है, गर्व है हमें इस बात पर कि हम हिंदू हैं। हमने कहा कि ब्रह्मा सूत्र पढ़कर सुनाओ। हमने कहा जब तक ब्रह्मा सूत्र नहीं पढ़ोगे तो तुम सच्चे हिंदू नहीं हो सकते। तुम लोग तो भाई वैसे भी स्टूडेंट हो, पता होना चाहिए ब्रह्मा सूत्र। बोला ब्रह्मा सूत्र, एक कोने से बोला एक लड़का कि हाँ ब्रह्मा सूत्र ये है, पढ़कर सुनाता। ओम भूर्भुव स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम। हमने कहा ये ब्रह्मा सूत्र है कि गायत्री मंत्र है ये? बोला ब्रह्मा सूत्र क्या होता है? हमने कहा ब्रह्मा सूत्र क्या होता है? एकम ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन, ये ब्रह्मा सूत्र हर एक हिंदू के लिए जरूरी है, इसको पढ़ना और इसको याद करना और इसको जानना। जैसे मुसलमान के लिए जरूरी है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तुम्हारे लिए भी जरूरी है। वो लोग इस तहज्जुब में थे कि ये मौलाना आदमी, हम तो इनको चिढ़ाने आए थे टोपी वाले भैया को, एक टोपी वाला पीछे पड़ गया। हमने कहा नहीं कोई बात नहीं, अगर इस भावनाओं से तुम लोग पढ़ते हो कि नहीं हम भाई बजरंग बली की भक्ति कर रहे हैं तो पढ़ो, उसके लिए टाइम फिक्स मत करो। एक आदमी नमाज पढ़ रहा शांति के साथ, अब तुम उनको चिढ़ाने के लिए तुम लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो। अजान दी जाती है तो डीजे लगा करके हनुमान चालीसा पढ़ रहे, इससे ईश्वर खुश होगा जी? ईश्वर तो डंडा मारेगा तुम्हारा। वो लोग बोला मौलाना गलती हो गई, हम लोग तो वैसे मजाक कर रहे थे। और आगे मर्तबे से जब भी वो नमाज पढ़े, शायद 24 घंटे का या शायद 17 घंटे की जर्नी थी, तो वो लड़के खामोश बैठ कर रहते थे। ये है माजरा। तो इसीलिए नमाज आप पढ़ें, कहीं पर भी पढ़ें, किसी भी जगह पढ़ें। आज कलकत्ता एयरपोर्ट में एक भाई आया उधर से, उन्होंने कहा मैं यही नमाज पढ़ना चाहता हूं। हमने कहा कि यहां क्यों पढ़ रहे हैं? पता है आपको हालात कैसे हैं, कोई आएंगे आपको वीडियो बना लेगा और कहेंगे पब्लिक प्लेस पे नहीं पढ़ सकते, आप पहले ढूंढ लीजिए यहाँ पर प्रेयर रूम है, जाके पूछिए। बोला नहीं है। तो हमने कहा कि ठीक है, कुर्सी के पीछे पढ़ लीजिए और दो रकात नमाज पढ़ लीजिए, उसके बाद चले जाइए अपने सफर में जहां पर जाना। इत्तेफाक से वो आदमी सूरत ही आ रहा था,
उसी फ्लाइट में वो भी बैठा जिसमें हम बैठे। तो इन सब चीजों का एहतमाम करें, इन सब चीजों का। लेकिन नमाज पढ़ें, नमाज दूसरी बड़ी इबादत, ईमान लाने के बाद सबसे बड़ी इबादत, जिम्मेदारी, दीन का एक अहम फरीजा कोई है तो नमाज है। धड़ल्ले से नमाज छोड़ देते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर। उलमा बहुत बयान करते हैं इस पर, हम लोग जुमे की नमाज में भी बयान में खुतबे में सुनते हैं, मन तरक सलात, जो आदमी जान बूझ कर नमाज को छोड़ता है तो इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं वो काफिर हो गया, फकद कफर, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला काफिर। इमाम इसहाक इब्न राहवे रहमतुल्लाहि अलैह ये दोनों के दोनों फकीह और मुफस्सिर कहते हैं जो आदमी जानबूझकर नमाज को छोड़ता है, अजान हो गई, बैठा हुआ है, मोबाइल में देख रहा है, अपना मोबाइल में मशगूल है, गाने सुन रहा है, कान में लीड लगाए हुए है, एयरफोन लगाए हुए है, या फिर वैसे ही बैठा हुआ है घर के बाहर, नमाज पढ़ने नहीं जाता है, तो ऐसी सूरत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस इमाम इसहाक इब्न राहवे, इमाम अहमद इब्न हंबल, चार बड़े इमामों में से एक इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं फकद कफर, कद जब माजी में दाखिल होता है तो यकीन का माना देता है, यकीनन वो काफिर हो गया जो आदमी जानबूझकर नमाज को तर्क करता है। कुर्बान जाइए इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह पर, उन्होंने कहा कि ईमान जो जानबूझ कर नमाज छोड़ता है वो काफिर तो नहीं होता, अलबत्ता वो कुफर की दहलीज तक पहुंच जाता है, कुफर के करीब करीब पहुंच जाता है। इसीलिए मेरे नौजवानों, अल्लाह तबारक व ताला ने आपको जवानी दी, अल्लाह तबारक व ताला ने आपको सेहत दी, अल्लाह तबारक व ताला ने आपको ईमान जैसी अनमोल दौलत से नवाजा। इस दुनिया को वजूद में रखने वाली अगर कोई चीज है तो वह ईमान, इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी कीमती दौलत अगर कोई है तो वह ईमान है, वह आपके पास है। दुनिया वालों के पास मालो दौलत हो सकती, दुनिया वालों के पास पैसे हो सकते, लेकिन दौलत खत्म हो जाएंगी, पैसे खत्म हो जाएंगे, पावर खत्म हो जाती है, ताकत खत्म हो जाती है, कुर्सियां टूट जाती है, इज्जत बनती और बेइज्जत में तब्दील हो जाती है, इंसान तंदुरुस्त है बीमार में आदमी मुबतला हो जाता है। लेकिन ईमान एक ऐसी चीज है अगर आपके सीने के अंदर महफूज है तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, बल्कि अल्लाह के खजाने में कीमती दौलत अगर कोई है तो वह ईमान। अल्लाह के खजाने में ईमान से बड़ी कीमती दौलत कोई है ही नहीं। अल्लाह कहता है कि सबसे कीमती खजाना अगर कोई मेरे पास था, सबसे कीमती दौलत अगर मेरे पास कोई थी तो वह ईमान की दौलत थी। और दुनिया का सबसे इंसानों में बेहतरीन शख्स वो है जिनके पास ईमान है। इसलिए कि आपके पास ईमान है तो डेफिनेटली यू विल इंटर द पैराडाइज, आप जन्नत जरूर जाएंगे। लेकिन शर्त है वनहन नफ्सानिल हवा, आपको बुराइयों से बचना होगा, आपको गुनाहों से बचना होगा, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी नहीं करनी होगी। अगर कोई जवान 14 साल की उम्र का हो चुका है, 15 साल का एक दिन भी उसके ऊपर अगर गुजर जाए, उस नौजवान के ऊपर नमाज फर्ज है, और बिना किसी उज्र के, बिना किसी उज्र के, बल्कि अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठकर पढ़ेंगे, बैठकर नहीं पढ़ सकते, लेटकर पढ़ेंगे, लेटकर नहीं पढ़ सकते तो इशारे से पढ़ेंगे, नमाज किसी भी सूरत में माफ हो ही नहीं सकती। हाँ, वो उस वक्त नमाज माफ हो सकती है जब आपकी अकल आपके पास ना हो, आप मजनू हो जाएं, आप पागल हो जाएं, आपको पता ही नहीं है 24 घंटे में दिन और रात क्या होती, तभी माफ हो सकती। वरना आप सफर में हो तो आप 2 रकात पढ़िए, अगर आप हजर में हो तो मुकम्मल पाबंदी से नमाज पढ़िए, नमाज माफ नहीं हो सकती। इस कायनात में ईमान के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर कोई है तो वह नमाज की है। जकात के लिए निसाब शर्त है, रोजे के लिए भी सेहतमंद या मुसाफिर नहीं है तो आप उस वक्त के लिए वक्ती तौर पर रोजा आपका टल सकता है। हज के लिए मालदार होना जरूरी है, कुछ शराइत हैं, लेकिन ईमान और नमाज के लिए
कोई शराइत नहीं है। अमीर हो के गरीब हो, नमाज आपके ऊपर जरूरी है, नमाज आपके ऊपर फर्ज है। ठीक है, नमाज पढ़ेंगे अल्लाह, हमें क्या मिलेगा 24 घंटे 5 मर्तबा ड्यूटी देने से? अल्लाह कहता है कि बुराइयों से तुम दूर होते चले जाओगे, इसलिए कि नमाज की एक सिफत है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फाशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई से बुरी बातों से रोकती है। अगर कोई चोर नमाज पढ़ता है खुशू के साथ, इखलास के साथ, दिल लगी के साथ, तो नमाज के अंदर ऐसी ताकत है कि वो चोरी जैसी बुरी आदत को नमाज दूर कर देती। ये फायदा है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फाशाई वल मुनकर। लेकिन हम लोग नमाज छोड़ते, हमारा जवान 20 साल का हो जाता है, 25 साल का हो जाता है, ना नमाज, नमाज के फराइज मालूम नहीं। पूछे वजू में कितने फर्ज हैं, वो कहेंगे 6 फर्ज है, कोई कहता 3 फर्ज है, कोई कहता कि 2 फर्ज है। वजू के फराइज मालूम नहीं है हमारे नौजवानों को, अपनी धार्मिक बातें मालूम नहीं है हमारे नौजवानों को। बहुत से नौजवान ऐसे हैं जिन्हें यकीनन मालूम नहीं, यकीनन मालूम नहीं। नहीं मेरे नौजवानों, अल्लाह ने आपको जवानी दी है। हजरत अली 12 साल की उम्र में मुसलमान हो गए थे, हजरत अली 12 साल की उम्र में, इतना मोहब्बत उनको इस्लाम से। यहां तक कि हजरत उस्मान 20 साल की उम्र में फुल जवानी में, ए अल्लाह के नबी, नाफरमानी जिंदगी नहीं गुजार सकता। आर यू प्रॉफिट, आर यू मैसेंजर, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट माई रिलीजन इन टू द इस्लाम, मैं आपके साथ। 35 साल की उम्र में अबू बकर सिद्दीक, ऐसे नहीं कि बूढ़े हो गए थे ये लोग, कोई रास्ता ही नहीं बचाता तो इस्लाम में आ गए, नहीं, जवानी थी, बिजनेस और तिजारत की दुनिया में आगे थे उमर फारूक, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक और उस्मान जिन्नुरैन, कौन नहीं जानता। अल्लाह के नबी अली सलातो वसलाम हिजरत करके गए मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर, जब आप पहुंचे तो मस्जिद खरीदने की, जमीन खरीदने की बात आई, तो हजरत उस्मान ने कहा कि टोटल पैसा मैं दे दूंगा, या दूसरे साहबी ने कहा कि मैं दे दूंगा, नहीं, आप अली सलातो वस्सलाम, ऐसे लोगों को आपने वो किया। आप अली सलाम से इतनी मोहब्बत करते थे हमारे नौजवान साहबी, 13 और 14 साल की उम्र का बच्चा मुआज एंड मुआविज अबू जहल का खात्मा करता है, कितनी उम्र में, 13 और 14 साल की उम्र में। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास मुफस्सिर का इमाम, मुफस्सिरीन किसी आयत में तफसीर करते हैं तो ये भी रिवायत, ये भी रिवायत, ये भी रिवायत, ये भी रिवायत इसमें हो सकती है, लेकिन जहां हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की रिवायत आ जाए सारे इख्तिलाफ दूर हो जाते हैं। मुफस्सिर का इमाम अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कितनी उम्र में, 16 साल की उम्र में मुफस्सिर का इमाम बन गए थे, तफसीर का इमाम बने थे, और 17 साल की उम्र में इस्लाम के जज कौन, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। 17 साल की उम्र में जवानों, इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने अल्लाह के नबी से कहलवाया, जाओ हमारे जमाने से कहो, शाबुन शफी इबादतिल्लाह फहुव फिल जन्ना, जो जवान शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा उन्हें कह दो कि वह जन्नत में। और जब जवानी में आदमी अच्छा काम करता है तो अल्लाह तबारक व ताला कयामत तक कभी कभी उनका चर्चा कर देते हैं। उठा कर देखे असहाबे कहफ को, कौन थे असहाबे कहफ, बूढ़े थे एकदम, बिल्कुल क्या बुढ़ापे में आए थे, नहीं, जवान थे वो। وقال فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض, जवान थे उस वक्त का जो बादशाह था, उसने कहा था कि I am a king of this world, of this city, of this country, मैं शहर का, इस मुल्क का मैं खुदा हूं, मुझे मानो, मेरे सामने अपने सर को झुकाओ। बीदोसीस नाम था शायद, दकियानूस नाम था शायद उस वक्त के बादशाह का। तो उन नौजवानों ने कहा, तुम मेरे खुदा नहीं हो सकते, तुम मेरे गुरु नहीं हो सकते, तुम 5 साल के लिए चुनकर इख्तदार में बिठाए गए हो, तुम हमारे तकदीर के मालिक नहीं हो,
हम तुमको कुर्सी इख्तदार से बेदखल कर सकते हैं जब इलेक्शन का वक्त आएगा तो। आज के टर्म में समझा रहा उन नौजवानों ने कहा कि हम निकल जाएंगे तुम्हारे शहर से, तुम्हारे मुल्क से। आप वो नौजवान जवान थे, वकाल फितियतुन फितिया, जवान को बोलते जवानी को बोलते, वकाल फितियतुन आमनु, जवानों की एक जमात को बोलते, वकाल फितियतुन आमनु बिरब्बिहिम, उन्होंने कहा कि हम उस रब को रब मानते हैं जो सूरज को पूरब से तुलू करता है और मगरिब के अंदर उसको गुरूब करता है। हम उसको खुदा मानते हैं जिसने 6,30,00,000 मुरब्बा मील के इलाके में जमीन को पैदा किया। हम उसको खुदा मानते हैं जिसने 14,06,00,000 मुरब्बा मील के इलाके में समंदर को पैदा किया। हम उसको खुदा मानते हैं जिसने 10,000 साल पहले हजरत आदम को पैदा किया है। हम उसको खुदा मानते हैं जिसने तकरीबन 4,60,00,000 पहले इस जमीन को वजूद बख्शा है। हम उसको खुदा मानते हैं कि जिसने हजरत आदम के बाएं पसली से अम्मा हव्वा को पैदा किया। हम उसको खुदा मानते हैं जो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, जिसने तुमको भी मणि के नापाक कतरे से तुम्हारे माँ के कोख से पैदा किया। यू आर नॉट माई क्रिएटर, यू आर नॉट माई गॉड, तुम मेरे खुदा नहीं हो सकते, तुम मेरे परमात्मा नहीं हो सकते। जिसने सबको पैदा किया, जो नजरों से जिसको हम नहीं देख सकते, जो कायनात का रक्षक है, जो कायनात का रब है, वो हमारा परमेश्वर पालनहार है, हम तुमको खुदा नहीं मानते। उस वक्त एक नोटिस दिया गया किसका, ईडी इनकम टैक्स का, उन नौजवानों को। जैसे आज ईडी इनकम टैक्स का नोटिस जाता है, हमको मानो सब कुछ नहीं तो तुमको जेल में डलवा देंगे, ईडी इनकम टैक्स भेज करके, ईडी के ऑफिसर्स को भेज करके। उस वक्त में उस बादशाह का जो भी था हथकंडे, उन्होंने नौजवानों को कहा, अच्छा तुम ही लोग हो, हाँ नहीं मानते हम, डरते नहीं है तुम्हारे जेल के सलाखों से, भेज दो, करो इंक्वायरी, हमारे पास करप्शन का पैसा नहीं, हम तो बिल्कुल सीधे सिंपल है, फकीर भी नहीं, ये नहीं कहता कि हम फकीर हैं। उन्होंने कहा कि हम हैं कुछ ऐसे नहीं है, हमारे पास हाथ है, हमारे पास बाजू है, हमारे पास जुबान है, हमारे पास हमारा अल्लाह है। कहा ठीक है, जांच के लिए तैयार हो जाओ। आहिस्ते आहिस्ते एक नौजवान उस गांव से निकला, निकलकर एक कोने में जाकर बैठा, जवान कोने में जाकर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद, कुछ घंटे के बाद, कुछ लम्हे के बाद दूसरा जवान फिर गया, वो भी वहीं बैठ गया। ऐसे जाकर कई नौजवान वहां पर हो गए, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे वो, कि कहीं बात न खुल जाए हम यहाँ क्यों आए। होते होते एक ने बात शुरू की तो देखा कि भाई सब एक ही गर्ज से आए हैं, तो उन्होंने कहा वकाल फितियतुन आमनू बिरब्बिहिम, सब ने कहा कि हम अपने रब पर ईमान लाए, वजिदनाहुम हुदन वरबतना अला कुलूबिहिम, अल्लाह तबारक व ताला ने उनके ईमान में और बढ़ोतरी की। कौन थे वो, नौजवान थे, और बढ़ोतरी की। वजिदनाहुम वहुदम वरबतना अला कुलूबिहिम इज कामू, इस्तिकामत के साथ जम गए। फकालू, उन्होंने कहा रब्बुना, रब्बुस समावाति वल अर्ज, हमारा रब आसमानों, सातों आसमान का जो रब है वही हमारा रब है, जमीन का जो रब है वही हमारा रब है। कौन है, जवान बोलता है, जवान। वो नौजवान किसी से डरे नहीं थे, और आजकल का हमारा बुजदिल नौजवान हक बोलने के लिए तैयार नहीं है, दुआ करने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारे नजरों के सामने में मुल्क फलस्तीन के अंदर पिछले 10 दिन में 10,000 वहां की लाशें बिछा दी गई है, किनकी, वहां कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों की। ये गजा पट्टी में बसने वाले लोग दो बाउंड्री, दो तरफ से, ये यूं समझिए कि ये तीन तरफ से घिरे हुए हैं। दो तरफ से तो इनका जो बॉर्डर है वो इसराइल, मुल्क इसराइल के तरफ, वो मकहूर और मकसूब इसराइल के तरफ खुलता है। पीछे एक पूरी पट्टी है जो समंदर से घिरा हुआ है, और एक बॉर्डर इनका इजिप्ट में खुलता है, यानी मिस्र के तरफ खुलता है। जब गजा पट्टी के अंदर बम बरसाए जाते हैं तो वहां खाना पानी और दवाई और लाइट
सब बंद कर दिया गया। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए इसराइल के बॉर्डर पे पहुंचे ताकि भाई वहां पर कुछ मदद हो सके। लेकिन क्या बोलूं मैं इन हंजारों को मुल्के इसरा मुल्के मुल्के मिस्र के उन अरब उन हुक्मरानों से, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी इस कुर्सी और गद्दी के बारे में पूछेगा, तुम बॉर्डर तुमने खोला क्यों नहीं था? गज़ा के अंदर मजलूमों के ऊपर पत्थरों की बारिश हो रही है और बमों की बारिश हो रही है, तोप गोलों की बारिश हो रही है, लेकिन जनाब ये मिस्र वाले अपने बॉर्डर को बंद किए हुए हैं कि हम तुमको नहीं ले सकते। तुम्हारी इस जालिमाना हरकत के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में पूछेगा कि भाई वहां पर तड़प रहे थे मासूम बच्चे। सोशल मीडिया में देखा होगा आपने, वो एडिटिंग वीडियो नहीं, छोटे छोटे बच्चे अपनी जान बचाने के लिए जनाब जमीन से वो घास खा रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। ये उस सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं मासूम बच्चे जो शैबे अभी तालिब के अंदर सहाबाए कराम ने घास खाकर दरख्त के पत्ते खाकर माओ ने अपने छातियों को पीट पीट कर अपने बच्चों को जिंदा रखा था। सहाबाए कराम ने दरख्त के छाले चबाकर पत्तों को चबाकर अपनी जान की हिफाजत की थी। याद रखना कल कयामत में ये बच्चे उठेंगे, मिस्र वाले तुम्हारे सामने में कहेंगे ए अल्लाह ये मुजरिम है, ये मुजरिम है, इन्होंने हमारी जान की रक्षा कर सकते थे, हमारी मदद करने की सकत होने के बावजूद भी इन्होंने हमारी मदद नहीं की थी। उस वक्त क्या जवाब दोगे मेरे नौजवानों? कम से कम दुआ कर सकते, मस्जिदों के अंदर कुनूत नाज़िरा का एहतमाम कीजिए और दुआ कीजिए बैठकर कि अल्लाहुम्म अंसुर इख्वानना अल-मुस्तज़फीना फी फलस्तीन, के फलस्तीन के मजलूम और फलस्तीन के जो जिनके ऊपर जुल्म हो रहा वहां के इंसानों के ऊपर ए अल्लाह रहम व करम का मामला फरमा। वो फलस्तीन जहां बैतुल मक़दिस है, हिजरत के बाद 17 महीने तक अल्लाह के नबी ने मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी। वो फलस्तीन 10,000 अंबिया कराम का मस्कन है, वो फलस्तीन 10,000 अंबिया कराम का मकबरा है, वो फलस्तीन जहां पर जिब्राइल अमीन तशरीफ लाते थे, हजरत इब्राहिम का मस्कन हिजरत की जगह, हजरत मूसा वहां पर आए, हजरत यूसुफ वहां पर रहे, हजरत याकूब वहां पर रहे, हजरत इसहाक वहां पर रहे, बहुत सारे अंबिया, हजरत दाऊद रहे, हजरत सुलेमान रहे, बड़े बड़े सहाबा, बड़े बड़े अंबियाए कराम और उनके मसाहिबीन वहां पर रहे। और जनाब गलत तरीके पर उसके ऊपर कब्जा किया गया है नाजायज तरीके पर और जुल्म ज्यादती की बारिश हो गई। हम कुछ ना सही, उनके लिए कम से कम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उनके साथ रहम करम का मामला फरमा। नमाजों में याद कीजिए जवानों, अपनी जिंदगी को नमाज से मुरस्सा करो। जहां मोबाइलों के अंदर हेलो हाउ आर यू गैर महरम से बात करते हो, अल्लाह नाराज होता है। रात को उसी रात को 3 बजे 2 बजे रात में उठकर ज्यादा नहीं 4 रकात नमाज पढ़िए। देखिए रात को कितना सन्नाटा होता है, बिल्कुल सारी दुनिया सो रही होती है, अल्लाह ने जवानी दी, इस जवानी को तहज्जुद में आप लेकर जाएं, रात को उठाएं अपने आप को और वजू कर अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारी जिंदगी भी सवार दे, हमारी जिंदगी के मसले का हल निकाल और हमको दीन और दुनिया की खिदमत के लिए कबूल फरमा दे। और दुआ कीजिए फलस्तीन के बेबस इंसानों मुसलमानों के लिए, मस्जिद अक्सा की वहाँ की आबरू की हिफाजत के लिए दुआ कीजिए। तो जो आप गैर महरमों से जो दुआएं करते हैं, बातें करते हैं, या फिर जो जासूसी करते हैं ना एक दूसरे की, पुलिंग डाउन, पैर खींचते गिराने के लिए, मैं कसम खाकर अगर ये बात कहूं, मेरी तहकीक और मेरा रिसर्च इस बात पर है, इस कौम को अगर कमजोर किसी ने किया है तो हम मुसलमानों ने किया है। लिख लीजिए 55 मुल्कों के बीच में इसराइल बसता, कितने इसराइल में 60-65 लाख यहूदी सिर्फ, उसके इर्द गिर्द 52 मुस्लिम कंट्रीज हैं उसके इर्द गिर्द लगे हुए। सिर्फ कतर अगर तेल और गैस रोक दे, तेल डीजल पेट्रोल अगर रोक दे अमेरिका को, तो अमेरिका घुटनों के बल आ जाएगा और अपने दोस्त को कहेगा इसराइल को कि भैया हमला रोक दे। क्या मजबूरी है अरब कंट्रीज के हुक्मरानों,
अल्लाह के नबी ने बनु कुरैजा को, बनु क़ीनका को, बनु नज़ीर को सबक नहीं पढ़ाया था उनकी इस बदहदी पर, उनकी जुल्म सितम के ऊपर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 600 यहूदियों को कहा था उनकी उनके गुनाह करने के बाद, उनकी मखालफत और उनकी बगावत करने के बाद 600 यहूदियों को कहा था कि इन्हें निकालो इस जमीन से, पाक करो इन मनहूसों को। आप अलैहिस्सलाम ने भूल गए सिर्फ नबी का दावा करते हो कि हमारे नबी यहां पैदा हुए, हमारे नबी, हम नबी के पड़ोसी हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सदके में ये मादनियात और खजाइन, सोने के कान कहां? मुस्लिम कंट्री में। पीतल के खान कहां? मुस्लिम कंट्री में। चांदी के खान कहां? मुस्लिम कंट्रीज में। पेट्रोल और सयाल जैसी अगर ये चीजें बंद हो जाए, दुनिया थम जाएगी अरब कंट्रीज में। ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इतना कहे कि हमारे मासूम इंसानों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसको तुम रोक लो, नहीं तो सप्लाई रोक दूंगा। अभी देख लीजिए सबको दिन में तारे नजर आने लग जाएंगे। अरे जब इसराइल जालिम है, इसराइल की मदद के लिए अमेरिका फौरन पहुंच जाता है, फौरन पहुंच जाता है, वहां पर भाषण देता है जाकर, जबकि फलस्तीन मजलूम है, इसकी मदद के लिए आस पास में 55 कंट्रीज हैं, 52 मुल्क हैं, कोई देखने के लिए भी नहीं जाता। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अल मुस्लिम का जसदिन वाहिदिन, मुसलमान एक जिस्म के मानिंद। वाह, एक जिस्म हाथ काट कर फेंका जा रहा है, टुकड़े किए जा रहे हैं, और पूरा जिस्म चैन से कैसे बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर सकते। तो दुआएं करें कि इस युद्ध के लिए कि ये युद्ध रुक जाए, और हमारी दुआएं कबूल होगी हमारी नमाजों के साथ। मेरे भाइयों, चूंकि वक्त काफी हो चला है, बस हम इतनी बात कहना चाहते हैं, इन द एंड हमारे यंग, हमारे न्यू जनरेशन यहां पर बैठे हुए हैं, साबिक नौजवान जो हैं वो तो कुर्सियों पर बैठे हैं, लेकिन हमारे जो मौजूदा नौजवान हैं, मेरे नौजवानों, आपकी इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। वही अस्हाब कहफ ने कुर्बानी पेश की, बादशाह कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और अल्लाह ने कयामत तक उनके नाम का चर्चा अपने पाक कलाम में पूरी सूरत एक नाजिल कर दी। सूरह कहफ उन्हीं लोगों के ऊपर है, 300 साल से ज्यादा दिन तक सोते रहे आराम से, चर्चा बुलंद कर दिया उनका। सहाबा इकराम की जिंदगी से हम कुछ सीखें, हासिल करें। ये दुनिया के अंदर आप जो अच्छा काम करेंगे, मरने के बाद आपको वही आपको काम आएगा। सुन्नत के खिलाफ जाएंगे, शरीयत के खिलाफ जाएंगे, किसी एक दूसरे को परेशान करने के लिए चुगली करेंगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत कत्ता, चुगलखोर, चुगली फेमस वर्ड है, गीबत, जासूसी जायज नहीं है इस्लाम में। अगर कोई बुरा करता है, इल्लीगल करता है, गलत करता है, वो तो उनकी जिम्मेदारी है, पुलिस वालों की जिम्मेदारी है, आईबी इंटेलिजेंस किस लिए है, वो उनकी इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं, आप उनका काम क्यों, वो खुद अगर कोई गुनाह करता है तो अल्लाह उसको खुद सजा देगा, या अगर कोई गलत काम करता है तो उनको आप कहें, समझाएं, रोकें, लेकिन आप अपने फैल से इस्लाह के बजाय उनको परेशान करना वो गलत है। कोई बुराई आप देख रहे हैं तो आप उसको रोकिए। अल्लाह के नबी की हदीस है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगयिरहु बियदिही फइल्लम यस्ततिअ फबिलिसानिही फइल्लम यस्ततिअ फबिकल्बिही वज़ालिका ज़ाफ़ुल ईमान, रवाहुल मुस्लिम। कोई बुराई है, हाथ से रोक सकते हैं रोक दीजिए, नहीं रोक सकते हाथ से जुबान से रोकिए, जुबान से नहीं रोक सकते दिल में बुरा समझिए। अगर किसी बुराई को दिल में भी बुरा नहीं समझते हैं तो समझिए आपका ईमान ही नहीं है। बुराई को बुरा समझना ईमान का इतना दर्जा है, वज़ालिका ज़ाफ़ुल ईमान। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे नौजवानों, आप इस मिल्लत की रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी टूट जाए इंसान बैठा रहता है, आपकी नस्ल और आपकी जो ये नस्ल है, ये टाइम है, बड़ी अहमियत है अल्लाह के नजर में भी और दुनिया के नजर में भी और माँ बाप के नजर में भी। इसलिए आप अच्छा काम करें, अच्छा बने, अपने गोल सेट करें अपनी जिंदगी में। कोई काम शरीयत के खिलाफ ना हो, शरीयत के मुताबिक कीजिए तो बरकत भी अल्लाह तबारक व तआला नाज़िल फरमाता है।
और नॉलेज हासिल कीजिए, पढ़िए कुरान, पढ़िए किताबें, पढ़िए मोबाइलों के अंदर किताब डाउनलोड कर लीजिए, आजकल पीडीएफ के जरिए बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। मेरे एक मोबाइल है, उस मोबाइल के अंदर कम से कम 1100 किताबें, 800 थी अब 1100 हो गई, तब मुझे लैपटॉप लेना पड़ा। आज तो मेरे पास बैग में एक छोटा किताब है, कम से कम 2 घंटे में वो इसी किताब को पढ़ा फ्लाइट के अंदर में। पढ़ने की आदत डालिए, आपकी इतिहास क्या है वो लोगों को बताएं। इस्लाम ऐसा नहीं है कि दुनिया की तरक्की में रुकावट है, नहीं, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर का इमाम को डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी को बताया गया 1923 के कॉन्फ्रेंस में लंदन में, अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी। और अभी भी जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में MBBS के स्टूडेंट को जो किताब पढ़ाई जाती है, वो किताब एक आलिम दीन ने, एक हाफिज कुरान ने लिखी है, पहले 11 साल की उम्र में वह हाफिज बने, उनका नाम शेख हुसैन इब्न अली सीना है। हमारी ये तारीख है ना, डेढ़ आंख वाले बाबा हरिद्वार के पतंजलि बेचने वाले, ये तो डुप्लीकेट है, ये तो साइकिल में खैनी बेचता था, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। लेकिन असल आयुर्वेदिक दवाई को खोज करने वाला जुनैद बगदादी, 500 दवाइयां किताबुल अदविया के नाम से उन्होंने लिखी, ये जो ऑर्गेनिक इंडिया जो दवाइयां हम लोग देख खाते हैं, ये उन्हीं की तहकीक है। ऑपरेशन करने के जो आलात हैं, अबुल कासिम अज़हरावी की इजाद की ही भी है। हमने साइंस और कुरान के ऊपर बात की है कहीं पर पिछले 5 और 6 महीने मुस्तकिल इसके ऊपर बात की, जब कुरान पर एतराज होता था कि अरे कुरान में तो जिहाद है, कुरान में तो लड़ाई है, कुरान में तो नमाज है। हमने कहा कुरान में नहीं, आपकी किताब में भी है, आपकी किताब में भी है तुवम तूर्य तरुशतः, हमारी किताब में आतुस ज़का है, हमारी किताब में फख्तुल मुशरिकीन है, तो आपकी किताब में भी है कि सत्यम विभाजानी। पढ़कर उसको समझने की जरूरत है, अपनी हिस्ट्री को अगर जब तक नहीं पढ़ोगे, जब तक बयान नहीं करोगे, कोई भी आएगा बदल कर चला जाएगा। जैसे अंग्रेज ने कोशिश की थी कुरान पाक को मिटाने के लिए, कुरान का मुसव्वदा नहीं मिल रहा था दिल्ली के अंदर में, एक भी कुरान का नुस्खा, उसने कहा कि हम तो कुरान को मिटा चुके। एक आलिम ने कहा कि गलत फहमी में हो मियां अंग्रेज, कुरान का मुसव्वदा नहीं है, तुमने सोचा कि कुरान मिट गया, आओ तुमको बताता हूं कुरान कहां पर है। एक बच्चे को बुलाया मकतब से, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह के यहाँ मकतब चलता है, 30-32 मुदर्रिसीन उलमा हुफाज पढ़ाते हैं, बहुत बड़ी बात है, तबीयत बहुत खुश हुई हमारी, तालीम से ही तकदीर बदली जा सकती है, इसीलिए इसको कीप इट अप, इसको और आगे बढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। वैसे तो मिसाल है, इस देश के अंदर में गुजरात का नाम आते ही जहन में एक आता है कि कुरान की सबसे बेहतरीन अगर तालीम कहीं पर होती है, सबसे ज्यादा हुफाज कहीं पैदा होते हैं, भारत की धरती में नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप में, तो गुजरात का नाम आता है सबसे ज्यादा। इसीलिए आप लोगों को अल्लाह तबारक व ताला ने और स्टेट के मुकाबले में खुशहाल भी बनाया है। भुखमरी हो तो सूरह क़यामा पढ़िए, और जहां हाफिज होंगे तो उनके तो हर सीने में कुरान और हर सीने में सूरह क़यामा, तो बरकत तो होगी, बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज होनी चाहिए। तो उस आलिम ने कहा कि ये मत समझो कि कुरान का नुस्खा खत्म हो गया तो कुरान खत्म, ऐसा नहीं है, हमारे सीनों में कुरान है, दिमाग में कुरान है। उसने कहा कि हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे हो सकता है तुम्हारे सीने में कुरान और इतनी मोटी किताब कैसे तुम जहन में बैठा सकते हो, याद कर सकते हो? उसको बिलीव नहीं हो रहा था। कहा कि मियां अंग्रेज कितने कुरान के नुस्खे जलाए? उन्होंने कहा कि 3.5 साल में 3 लाख कुरान का नुस्खा जलाया। मस्जिद में ढूंढते थे कहां कुरान है, कोई और भी किताब अगर उसमें कपड़े में लपेटी उसको भी जला देते थे कुरान समझकर। वो अंग्रेज नालायक को पता ही नहीं अरबी में क्या है, कुछ भी अरबी में देखते तो उसे ही जला देते थे। तो एक आलिम ने कहा कि आ जाओ हम अपने मकतब से एक बच्चे को बुलाते। एक बच्चे को बुलाया गया, कहा कि देखो इस बच्चे को, 9 साल का 8 साल का वो बच्चा, कहा कि बेटे पढ़ो तुम कुरान पाक। उस बच्चे ने कुरान पढ़ना शुरू किया, हाथ में कुछ नहीं नियत बांध करके 9-10 घंटे में पूरा कुरान उस बच्चे ने सुनाया, और अंग्रेज वहीं बैठकर देख रहा था। उसने तोबा किया उसी वक्त में, उसने कहा कि हम कुरान के नुस्खे जला सकते हैं लेकिन कुरान की मोहब्बत जो दिलों में बसी हुई हम उसको नहीं जला सकते। इसीलिए एजुकेशन, The primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development cultural society.
अपनी तकदीर बदलना चाहते हो तो एजुकेशन को, तालीम को आम करो, दीनी दुनियावी दोनों तालीम को आम करो। ऐसा नहीं है कि टोपी पहनने वाला है तो इंग्लिश बोलना नहीं जानता, हाफिज कुरान है तो कुरान का हाफिज है। भारत का संविधान भी पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, आप अपने इतिहास पढ़िए, कुरान की आयतों का तर्जमा कीजिए। आज के जमाने में अल्लाह के नबी अलैहि सलाम घोड़े पर, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बुर्राक पर जाते थे, तो मॉडर्न जमाने में बताइए। लोग एतराज करते हैं कि 1450 साल पहले तुम्हारे नबी थे, लेकिन 1450 साल पहले की चीज आज नहीं चल सकती है, तो उसको आज के जमाने में समझा कर बताइए क्या मतलब है तुम्हारा। यानी आज के जमाने में अगर आप हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हो तो नबी ने तो किया ही नहीं था, हवाई जहाज का इस्तेमाल उस जमाने में था ही नहीं, तो नबी की सुन्नत पर अमल नहीं हो रही। इसीलिए नबी पाक की जिंदगी को छोड़ो, वो पुराने हो चुके, नए मॉडर्न जमाने को इख्तियार करो। तो आप कैसे तत्बीक देंगे? आप यूं कहिए, हमारे नबी हवाई जहाज में नहीं बैठे, लेकिन कयामत तक कोई ऐसी सवारी नहीं बन सकती है जिस पर सवार होकर अल्लाह के नबी ने सवारी की उससे ज्यादा तेज रफ्तार सवारी। हवाई जहाज एक घंटे में 1200 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर चल सकता, हमारे नबी जिस बुर्राक पर बैठकर सफर किया है, एक सेकंड के अंदर 11 लाख 22 लाख मुसाफत तय करती थी। लाओ बेटे हवाई जहाज तुम लाते हो, अल्लाह के नबी जिस चीज में बैठकर सवारी की उस तरह तेज रफ्तार सवारी कयामत तक कोई माए का लाल नहीं बना सकता। तो सबूत तो मिला ना कि तेज रफ्तार सवारी पर बैठकर हमारे नबी ने सवारी की। आज एक बुलेट ट्रेन बना लेते हैं, भले ही वो बुलेट ट्रेन भैंसिया से जाकर टकरा जाए, गाय से टकरा जाती है, हमारे नबी तो जिस बुर्राक पे बैठे वो किसी से भी नहीं टकरा। जिधर भी जाए दरवाजा खोल दिया गया, पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान। यहां तो जनाब चंद्रयान पर पहुंचे, वो लैंडिंग क्या हो, मिठाई बांटने लगते, हम चांद पे पहुंच गए। हमारे नबी तो वो है जो चांद सूरज सबको क्रॉस करके अर्श मुआला पर पहुंच गए, वहां जहां दुनिया नहीं सोच सकती है अल्लाह के नबी वहां पहुंचकर घूम करके आ गए, जन्नत और जहन्नम का वो करके आ गए। मॉडर्न जमाने में इसको एनालाइज करना है, लोगों को बताना है अपनी जुबान में, आज की जुबान में, पुरानी लैंग्वेज में नहीं, अपनी जुबान, आज के जुबान, तभी लोग समझेंगे। टर्म्स को बदल कर, हकीकत नहीं सिर्फ ताबीर को बदल कर समझाएंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया जरूर समझेगी। वक्त बहुत हो चुका है, शुक्रिया अदा करता हूँ मौलाना का और उनकी पूरी टीम का, खुसूसन हमारे अनस भाई का और इंतखाब भाई का और उनकी पूरी टीम का, जो बेचारे इतने दूर से आए, हमारा प्रोग्राम सेट किया, ये 2-3 दिन हमने अपने आराम के लिए रखा था, लेकिन बड़ा वो हुआ कि नहीं आपको आना है, हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, सीरतुल नबी का जलसा है तो इंशाअल्लाह जाकर ज़रूर सीरत के ऊपर बात होगी। नमाज में बिल्तफसील बात करनी थी, नहीं हो पाई, सीरत पर थोड़ी सी हो गई, लेकिन सीरत ही हमारी ज़िंदगी की के लिए मशाल राह हो सकती है। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व ताला हम सब के बैठने को कहने को बेइंतहा कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।